सो हेलो है्रीवान एंड गुड मॉर्निंग सभी को उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक एक बार कन्फर्म कर देंगे फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एंड दैट विल बी जो हम लोगों ने अभी पिछले वीक मेडिवल हिस्ट्री खत्म करी है उसका पूरा वन शार्ट लेक्चर रहने वाला है जिसमें कि हम हंड्रेड क्वेश्चन के थ्रू अभी तो जो भी हमने लेक्चर्स किए थे जैसे पिछला वाला किया था वन शॉर्ट लेक्चर वो एंशियंट हिस्ट्री का था और उसमें हम लोगों ने सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे किया था ठीक है सारी थ्योरी ही करी थी तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करने का सोचा और यहाँ पर हम लोग हंड्रेड क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे और सारी चीज़ें ऑर्डर में रहेंगी कुछ इस ऑर्डर में रहेंगी टॉपिक्स हमारे ये आने वाले हैं तो अर्ली मिटाइवल पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे देन डेली सल्तनत दैन विजयनगर एम्पायर देन भवानी सल्तनत दैन मुगल्स एंड देन मराठास तो ये जो हम लोगों ने टॉपिक्स किए हैं उसी ऑर्डर में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ताकि सारी चीज़ें ऑर्डर में एकदम रहें और ऑर्डर में ही हमारे माइंड में सेटल डाउन हो जाए ताकि हमें टाइम याद हो जाए बिकॉज हिस्ट्री में टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको एग्जैक्ट डेट भी नहीं याद रह पाती है तो टाइमलाइन काफ़ी बार आपकी हेल्प कर देती है सही आंसर तक पहुँचने में तो एक बार कन्फर्म करेंगे सभी लोग कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और हाँ भाई सभी लोगों को थैंक यू है ना इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने बहुत ही जल्दी टेन थाउजेंड का जो माइलस्टोन है वो अचीव कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का चलिए और बाकी जिन लोगों को नहीं पता है तो परमार अंडर स्कोर अकेडमी और वहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता है हम लोग वहाँ पे भी हम लोग पढ़ाई करते हैं है ना शहरीबाजी नहीं परमा अंडरस्कोर स्कोर अकेडमी बाकी ऐसे कोई मैंडेशन नहीं है अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है थोड़ा तो फिर अवॉइड करिएगा मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन ही करो इंस्टाग्राम पर ठीक है चलो परफेक्ट ओके okay. तो स्टार्ट करते हैं फिर आ, राजा गरिमा हेमन सुर रजनीश चलो तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा ठीक है पहले हम लोग जैसे मैंने बताया ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले अर्ली मेडाइवल हु फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल निम्नलिखित में से कौन ट्राइ त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था पालाज प्रतिहाराज राष्ट्रकूटास या फिर चोलास क्या होगा इसका सही फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपाटाइट स्ट्रगल तो कौन पार्ट नहीं था तो चोलास पार्ट नहीं थे तो कन्नौज जो है ये काफ़ी प्रेस्टीज से एसोसिएटेड एक हम बोल सकते हैं कैपिटल थी या फिर जगह थी बिकॉज जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि नॉर्थ का और पूरा साउथ का जो ट्रेड है वो कन्नौज से ही फ्लो होता था और ये कैपिटल थी हर्षवर्धन की जो कि हम बोल सकते हैं कि लास्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर्स रहे हर्ष हर्षवर्धन इनकी कैपिटल थी कन्नौज तो इसी वजह से कन्नौज के लिए ट्राइपाटाइट स्ट्रगल हो रहा था त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था तीन पार्टियों के बीच में वो कौन थी ईस्टर्न इंडिया के पालास ठीक है प्रतिहार और राजकूटा प्रतिहार कहाँ के थे प्रतिहार से आपके अगर हम बात करें तो ये गुर्जर प्रतिहार थे नॉर्थ इंडिया का राष्ट्रकूट आपके साउथ इंडिया से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुर्जर प्रतिहार है यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ नहीं करूँगा ठीक है पता नहीं इस पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम है ठीक है गुर्जर प्रतिहार है और राजकूटा नीचे हैं तो इन तीनों के बीच में स्ट्रगल था मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वॉज वन ऑफ द फेमस फिलोसफर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ दी पाला पीरियड पाल काल के सिद्ध दार्शिकनो दार्शनिकों और विद्वानों में से एक थे कौन थे अतीश दीपांकर दिब्योगिकृति या फिर आर्यभट्ट। जल्दी से आंसर बताइए रवी कृति को आप एलिमिनेट कर सकते हैं कैसे बिकॉज रविकृति के बारे में हम जानते हैं कि अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन ठीक है जो अहोल पिलर इंस्क्रिप्शन है वो रविकृति ने ही कंपोज किया था किसके कोर्ट में कोर्ट पॉइंट थे एक तरह से रविकृति पुला के सिंटू जो की एक चालुक्य रूलर थे ठीक है तो इस इनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि इन्होंने जीरो की डिस्कवरी करी थी बट आर्यभट्ट भट्ट की अगर हम बात करें तो ये गुप्ता डायनेस्टी में थे ठीक है ही वॉज अ रूलर इन गुप्ता डायनेस्टी तो मतलब नॉट रूलर सॉरी ही वॉज अ एक मैथमेटिशियन इन दी ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी तो ये भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे आंसर होगा अतीश दीपांकर ठीक है और पालक की अगर बात करें पालक डायनेस्टी तो इसने कहाँ पे रूल किया ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रूल किया और पाल से हम जानते हैं कि इनके जो एक रूलर थे धर्मपाल वैसे गोपाल इसके फाउंडर थे लेकिन जो धर्मपाल रूलर थे इन्होंने विक्रमशिला जो डायनेस्टी है सॉरी विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है वो बनवाई थी ठीक है विक्रमशिला और जो ओदांतपुरी है वो गोपाल जी ने बनवाई थी मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एलजेब्रा निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है आर्यभट्ट ब्रह्मगुप्त भास्कर या फिर लल्ला बताइए <laughs> तो लल्ला जी तो नहीं होंगे ठीक है और आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो अल्जब्रा के लिए नहीं जाने जाते हैं ये मेरे जो जीरो है उसकी डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं यहाँ पे सही आंसर होगा ब्रह्मगुप्त वैसे तो थोड़ा सा ये एक तरह से बोल सकते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल टाइप है बिकॉज भास्कर भी थोड़ा बहुत अल्जब्रा से रिलेटेड थे लेकिन अब क्योंकि दोनों ऑप्शन में दे दिया तो विल चूज ब्रह्मगुप्ता ब्रह्मगुप्ता जो है अलजब्रा के अलावा जियोमेट्री के लिए भी जाने जाते हैं और भास्कर की अगर हम बात करें तो ये ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस के लिए ये जाने जाते हैं और ये सभी गुप्ता डायनेस्टी या फिर गुप्ता एम्पायर के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे एक तरह से हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पे हमारा हु फाउंडेड फोर मठ इन फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना किसने करी ऑप्शन है आपके शंकराचार्य रामानुजाचार्य भास्कराचार्य या फिर माधवाचार्य तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा फोर मठ किसने बनवाए तो ये हमारे आदि शंकराचार्य आदिशंकराचार्य और आदि शंकराचार्य ने कौन सी फिलॉसफी दी थी ये आप कॉमेंट बताएंगे आदि शंकराचार्य ने कौन सी फिलॉसफी दी थी बाकी लोगों की हम बात कर लेते हैं जैसे माधव चार ने आपकी द्वैत फिलॉसफी दी थी द्वैत द्वैत मतलब डुअलिज्म और शंकराचार्य ने नॉन डुअलिज्म दिया था यानी अद्वैतवाद दिया था इन्होंने अद्वैत दैट मीनस इसका मतलब होता है नॉन डुअलिज्म डुअलिज्मानुजाचार्य की अगर बात करें तो विशिष्ट अद्वैत विशिष्ट अद्वैत जो है अद्वैत से ही रिलेटेड है लेकिन इसमें नॉन डुअलिज्म का मतलब यह है कि आत्मन और ब्राह्मण एक ही है उसमें कोई अंतर नहीं है जैसे माधवचार्य ने बोला अंतर है शंकराचार्य ने बोला नहीं है रामानुलाचार्य ने बोला हाँ नहीं है लेकिन दोनों एक ही नहीं है हम ब्रह्म के एक हिस्सा हैं एक पार्ट हैं वी आर अव जस्ट अ पार्ट ठीक है तो ये इन्होंने बोला था भास्कराचार्य इस तरह से कोई भक्ति मूवमेंट के टाइम पे भक्ति फिलॉसफी इस तरह से कोई नहीं दी थी अद्वैतवाद हमने पढ़ा तो द्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद और एक शुद्ध अद्वैतवाद जरा इसके बारे में बताइए ये किसने दिया था शुद्ध अद्वैत ठीक है और एक हम लोगों ने पढ़ा था भेडा भेद करके भी ठीक है भेद अभेद भेदा भेडा भेद भेड तो भेल बोलना सही नहीं रहेगा भेदा भेद ठीक है और ये मैंने आपसे पूछा था कि शुद्ध अद्वैत किसने दिया था शुद्ध अद्वैत तो अगर भेदा भेद की अगर बात करें तो ये दिया था नंबर का चार ने ठीक है जिस टाइम पे जिस टाइम पे एक तरह से हम बोल सकते हैं रामानो जो साउथ साउथ इंडिया में थे उसी टाइम पे निम्बर्क आचार्य सेम चीज को नॉर्थ इंडिया में फैला रहे थे ठीक है निम्बरक आचार्य ऑल राइट right. और शुद्ध अद्वैत की अगर बात करें तो वल्लभाचार्य इन्होंने दिया था यह मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन हु कंस्ट्रक्टेड दी वर्ल्ड फेमस जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी तो जो जगन्नाथ मंदिर है उसको किसने बनवाया था कृष्ण वर्मन अनंत वर्मन देववर्मन या फिर नन ऑफ दीज ऑप्शन आपके सामने और एक बार कन्फर्म कर दीजिए कि सारी चीजें प्रॉपर हैं कि नहीं प्रॉपर होंगी है ना सबका सही आंसर है जानवी श्रेया पुनीत ओके okay. तो ये बनवाया था अनंत वर्मा ने ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है ये आपका जगन्नाथ टेंपल कहाँ आप है? जानते हैं पुरी, पुरी जो कि पड़ता है कहाँ पे उड़ीसा में राइट अगले क्वेश्चन पे आते हैं एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटाज नियम लिखित में से कौन राष्ट्रकूटों के संस्थापक थे ऑप्शन है आपके दंती दुर्ग यशोवर्मन मिहिर भोज या फिर वक राज तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो कहाँ पे थी साउथ ऑफ नर्मदा रिवर हम बोल सकते हैं और इसके फाउंडर थे दंती दुर्ग राष्ट्रकूट की अगर कर बात करें और राष्ट्रकूट की जरा आप जल्दी से बताइए कैपिटल क्या थी ठीक है एक तो दो चीज़ें आपको बतानी है एक तो राष्ट्रकूटाज की आपको कैपिटल यानी कि राजधानी बतानी है और दूसरा क्वेश्चन का आपका ये आंसर देना है कि इन्होंने जो बादामी थे मतलब चालुक चालुक्याज ऑफ बादामी बिकॉज हमें पता है जो चालुक्याज थे वो एक तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे थे ठीक है जिनको हम बादामी बोलते हैं एक तो ये थे ईस्टर्न वाले ठीक है इनकी क्या थी कैपिटल वेंगी ठीक है तो चालुक्याज ऑफ वेंगी बोलते हैं ये चालुक्याज ऑफ बादामी थे और यहाँ पे फिर बाद में ही हम देखते हैं कि बाद में लेटर या फिर आ, लेटर चालुक्याज या फिर वेस्टर्न चालुक्याज के नाम से भी जानते हैं जो वातापी जिनकी कैपिटल थी वो बाद में आते हैं ठीक है ठीक है सॉरी कल्याणी उनकी कैपिटल थी कल्याणी और उनको हम चालुक्य वातापी बोलते हैं तो अगर हम कैपिटल की अगर बात करें तो कैपिटल इनकी राष्ट्रपू मान्य खेत थी ठीक है खेत यहां की कैपिटल थी और ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा इन्होंने किस एक तरह से चालुक्य डायनेस्टी को हराया था मतलब चालुक्य डायनेस्टी के रूलर को हराया था तो अगर हम बात करें जो दंती दुर्ग थे उन्होंने कीर्ति वर्मन ठीक है कीर्ति वर्मन द्वितीय कीर्ति वर्मन सेकेंड को डिफीट करके इनको हरा के दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट डेनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी थी ठीक है और हमें यह भी बताना चाहिए अगर यहाँ पर डिस्कशन हो ही रहा है तो कि वो कौन से चालुक्य रूलर थे जिन्होंने पल्लव रूलर को हराया था और वो थे हमारे पुला के सिंटू और इन्होंने ना सिर्फ पुल्लव एक पल्लव रूलर को हराया था जिनका नाम क्या था महेंद्र वर्मन बल्कि एक और नॉर्थ इंडिया के हमारे काफी बड़े रूलर है जिनका भी हम लोगों ने नाम देखा वो कौन थे जिनको इन्होंने हराया तो महेंद्र वर्मन वन कोस्टी के रूलर थे और साथ ही साथ इन्होंने इन्होंने किसको हराया इन्होंने हराया हर्षवर्धन को ऑन बैंक्स ऑफ विच रिवर नर्मदा रिवर ठीक है हर्षवर्धन को इन्होंने हराया डिफीट किया बट ये खुद डिफीट हो जाते हैं किसके द्वारा महेंद्र वर्मन के जो बेटे होते हैं नरसिम वर्मन नरसिम वर्मन प्रथम नरसिम वर्मन द फर्स्ट इन्होंने हराया फूला केसिन टू को और टाइटल लिया क्या वातापी कोंडा दैट इज कॉन्करर ऑफ वातापी बिकॉज बादामी के जो चालु थे उनकी कैपिटल वातापी थी जो बाद में लेटर चालुक्य आते हैं ना चोला वगैरह के टाइम पे वो होते हैं हमारे कल्याणी उनकी कैपिटल होती है ठीक है तो वातापी कोंडा का टाइटल लिया नरसिम्ह वर्मन प्रथम ने और इनके अभी हमने देखा कि आई होल प्लियर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड है इनसे और रवि कृति ने लिखा है रवि कृति और हमें यह भी पता है कि हर्षवर्धन के टाइम पे एक चाइनीज ट्रैवलर आया था वो सेकंड चाइनीज ट्रैवलर था उसका नाम था ह्यून सांग जिसको हम जुआन जांग के नाम से भी बोलते हैं प्रेजेंट टाइम से अगर हम ट्रेस करें पीछे जाएँ तो ये सारी घटनाएं चौदह साल पहले हुई थी और ह्यून सांग अगर इनके कोर्ट में भी गया है तो अगर इनके कंटेम्प्ररी हैं हर्षवर्धन के कंटेम्प्ररी है पुला केसिन टू तो इनके कोर्ट में भी गया होगा तो ध्यान रखना पुला केसिन टू के कोर्ट में भी गया था और यहाँ नरसिम्ह वर्मन वन के कोर्ट में भी इसकी प्रेजेंस को ट्रेस किया गया है कॉमेंट में आपको यह जल्दी से बताना है कि हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन सेट वन है और यहाँ पे सेट टू है चलिए विजय लाया समुद्रगुप्त वर्तक वन और राजेंद्र वन तो करते हैं तो समुद्र की अगर बात करें तो ये कविराज का इन्होंने टाइटल लिया था कविराज ठीक है और इनके क्या टाइटल थे नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से इनको क्यों जाना जाता था ये जरा कमेंट में बताएंगे आप और किसने बोला था ये ये भी बताएंगे तो टू का तो सी हो जाएगा या फिर हम बोल सकते हैं सी का टू हो जाएगा ठीक है तो सी का टू हो जाएगा दैट मीन बी या सी में आंसर होगा गंगई कोंडा चोला की अगर बात करें तो राजेंद्र चो राजेंद्र वन ने ये टाइटल लिया था कब लिया था जब ये गंगा रिवर को क्रॉस करके बंगाल के दो रूलर्स को हरा के आए थे एंड ही स्टेब्लिश्ड अ सिटी ऑल्सो गंगाई कोंडा चोलापुरम और वहाँ पे इन्होंने एक टेम्पल भी बनवाया था जरा बताएंगे उस टेम्पल का नाम क्या है तो डी का फोर हो जाएगा और डी का अगर फोर हो जाएगा तो यहाँ पर वो करेक्शन करना पड़ेगा आपको डी का फोर तो है नहीं एक सेकेंड सी का टू हो गया तो डी का तो फोर किसी ना किसी में होगा आई थिंक वही है कि जो मैंने चेंजेस कुछ किए थे इसमें और वो इसमें से उड़ गए हैं कोई बात नहीं तो सी का यहाँ पे हम कर लेते हैं टू और डी का हो जाएगा फोर और विजय लजय चोलेश्वर ये है हमारे विजय जो कि चोला डायनेस्टी के फाउंडर है अभी चोला पे भी क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे हम डीप में घुसने वाले नहीं हैं अभी तो वन टू फोर ठीक है तो ऐसे कर लो कि यहाँ पे वन कर लो और यहाँ पे फोर कर लो बस हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट चाइनीज ट्रैवलर वाज फाहीन जो किसके टाइम पे आया था फाह आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जिन्होंने क्या टाइटल लिया था विक्रमादित्य का टाइटल लिया था कालीदास जो कि नवरत्नों में से एक थे वो वो इन्हीं के कोर्ट में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में ही थे ठीक है और हमने देखा था कि इन्होंने अपनी जो बेटी है उसकी शादी किस रूलर से करी थी जरा बताइए रुद्र दमन नाम था उसका और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था जो रूलर था वो वो किस जेनेस्टी से बिलोंग करता था जिसकी शादी चंद्रगुप्त टू ने अपनी मतलब अपनी बेटी की शादी उससे करवाई थी बताइए जल्दी से और यहाँ पे नेपोलियन ऑफ इंडिया ये बोला था विंस्टन आर्थर स्मिथ ने ये थे कौन उससे हमें कोई लेना देना नहीं है हमें लेना देना है कि इन्होंने क्यों बोला था क्योंकि इनसे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन है जिसको हम बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति ठीक है प्रशस्ति का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन और इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कुछ पत्थरों वगैरह फिर फिर खंभे वगैरह में कुछ लिखा हो तो प्रयाग प्रशस्ति ठीक है और प्रयाग प्रशस्ति से याद आना चाहिए चंद्रगुप्त टू का एक कुछ पिलर है जरा बताइए कुछ रिलेटेड इनसे तो प्रयाग प्रशस्ति इनके जो कोर्ट पोएट हैं हरिसेन उन्होंने लिखा था ठीक है और इनको कॉइन्स में वीना बजाते हुए भी दर्शाया गया है ये क्या बजा रहे हैं वीना बजा रहे हैं ठीक और यहां पे मैंने कुछ हाँ तो चंद्रगुप्त सेकंड की अगर बात करें तो ये मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन इनसे रिलेटेड है और विक्रमादित्य का टाइटल लिया और मैंने पूछा था इन्होंने अपनी बेटी की शादी किससे करवाई तो ये वर्क टक ठीक है वर्क टक कहाँ पे है ये है वर्क टक और फिर वर्क टका के साथ मिलकर किसको हराए थे स्काइथियन यानी शाकास को हराए थे तो आंसर क्या हो जाएगा वर्क टक ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं

साल के लिए लोग इलेक्ट होते थे और हर कोई इसमें चुनाव नहीं लड़ सकता था जो थोड़े से जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है वो ही चुनाव लड़ सकते थे बट हाँ एटलीस्ट चुनाव तो होते थे डेमोक्रेटिक तरीके से तीन साल के लिए चुना जाता था तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा था यह था चोलास के टाइम पे ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर अगला in क्वेश्चन है या फिर हाँ फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है सुपर फ्लैश हो जाएगा डिड महमूद ऑफ गजनी का अटैक किया तो एक तरह से हम इस्लामिक इन्वेजन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है तो वाज़ दी फ़र्स्ट इस्लामिक इन्वेटर जल्दी से रिकॉल करिए और जल्दी जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश किया करिए मतलब एकदम चार्ज अप हो गए है ना एकदम कहीं ट्रेन छूट रही है उस तरह से करनी है चीज़ों को ट्रेन छूट रही है उस तरह से करनी है लेकिन हाँ सारी चीज़ों को कवर करते हुए भी चलना है तो वो आज दी फर्स्ट इस, इस्लामिक इन्वेडर और आपको भी जो चीज़ें याद आती हैं अभी जो, जो मेरे दिमाग में जो एकदम से चीज़ें आ रही है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है आपके दिमाग में भी कुछ चीज़ें आ रही हूँ तो आप उसको कॉमेंट में लिख सकते हैं तो कॉमेंट सेक्शन को भी थोड़ा सा इंगेजिव बनाइए ठीक है यहाँ पे मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब या फिर ये कर दो वो कर दो कलियर नहीं बोलता हूँ कि जय माता दी लिख दो लेकिन बस ये है कि आप जो चीज़ें हैं जिससे कि आ, कोई अगर देखे तो उसको भी रिकॉल हो ठीक है फिर आप भी कोई चीज़ देखोगे किसी ने लिखी होगी तो उस तरह से उसको एंगेजिव बनाइए कॉमेंट सेक्शन को ठीक है और डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा वैसे होगा तो नहीं आई थिंक बिकॉज सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं तो फर्स्ट इस्लामिक इन्वेडर की अगर बात करें तो ही वॉज हु ही वॉज मोहम्मद बिन कासिम ठीक है मोहम्मद बिन कासिम था ये कब इन्वेड किया था इंडिया को इसने 712 सौ में इन्वेड किया था और कहाँ पर इन्वेट किया था सिंध प्रोविंस जो है ना सिंध प्रांत उसमें इन्वेट किया था इस समय यहाँ पे राजा दाहिर हुआ करते थे राजा दाहिर ने कुछ ट्रेड में कुछ दखलंदाजी करी थी इनके किनके के डायनेस्टी एक रूल किया करती थी प्रेजेंट मतलब जो अरब अरब रीजन है वहाँ पर तो उमैयत डाइनेस्टी जो थी उसी का ही एक सोल्जर था बोल सकते हैं सिपाही था मोहम्मद बिन कासिम है फिर कमांडर था जिसको भेजा था इस डायनेस्टी के रूलर ने कि जाओ और देख के आओ तो यहाँ पे इसने सिंध प्रांत में इन्वेजन किया था राजा दाहिर को मारा था इसने और यहाँ पे ये सबसे पहले जजिया जो है लगा के गया था लेकिन पूरे ऐसे सच नहीं कि इंडिया में बस सिंध प्रांत में ही वो आया था और फिर चला गया था यहाँ पे बात हो रही है महमूद ऑफ गजनी जो कि सेकंड इस्लामिक इन्वेडर था तो ये तो आंसर होगा नहीं और ये आंसर होगा क्यों क्योंकि ये सबसे पहले आया था और इसने चंद्रपाल एग्जिस्ट जो करते थे चंद्रपाल यही सिंध वाला जो प्रांत है इसी के आसपास इनको हरा के गए थे ये क्यों क्योंकि इनके फादर यानी महमूद ऑफ गज़नी और चंद्रपाल के बीच में टसल चल रहा था चंद्रपाल ने उनको इनके फादर को मार दिया था सॉरी इनके अब्बू को मार दिया था तो फिर इसने जो है रिवेंज लेने का सोचा और इसने टोटल सेवेंटीन टाइम्स पच्चीस सालों में टोटल सत्रह बार अटैक किया इसका जो सिक्सटीथ अटैक था वो सिक्सटीनथ अटैक था हमारे सोमनाथ टेम्पल में जहाँ पर इसने प्लडरिंग करी थी और जब सोमनाथ टेम्पल से लूट के जा रहा था तो इसको जाटों ने लूटा था और उस लूट का बदला लेने आया था ये सेवनटीन्थ अटैक में 1175 एडी में अगर बात करें तो मोहम्मद घुरी या फिर मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था सबसे पहले और मुल्तान वाला जो रीजन है उसको कॉन्कर किया था बट बाद में फिर जब साउथ या गुजरात के रास्ते आ रहा था तो हार गया था ठीक है अभी देखेंगे किससे हार गया था वो और फिर हमें पता है कि यही जाके बाद में लड़ता है पृथ्वीराज चौहान से दोनों बैटल ऑफ तराइन और एक्चुअल में ये जो 1191 लिखा हुआ है ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन का ही ईयर लिखा हुआ है जिसमें कि मोहम्मद गौरी हारता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और कौन हराता है जरा यह कमेंट में आप बताएंगे हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन इन 1191 एडी द द फर्स्ट बैटल ऑफ ऑफ तराइन फॉलोइंग इज नॉट एन फीचर नॉर्थ इंडिया आर्किटेक्चर निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारतीय मंदिर कला की विशेषता नहीं है शिखर गर्भगृह गोपुरम प्रदक्षिणा पथ बताइए तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं तो वो है पृथ्वीराज चौहान कोई नहीं बोलेगा सही वो भी है लेकिन पृथ्वीराज थर्ड बोलने की कोशिश किया करिए बिकॉज एग्जाम में वो पृथ्वीराज चौहान ना लेके पृथ्वीराज थर्ड देता है ठीक है इसलिए और बाद में हमें पता है सेकेंड वाले में पृथ्वीराज थर्ड हार गए थे ठीक तो नॉर्थ इंडियन टेम्पल की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं तो नॉर्थ इंडिया में हमें नगर स्टाइल देखने को मिलता है नगर स्टाइल में क्या है ऐसे कर्वी लीनियर टाइप देखने को मिलता है ठीक है रेखांगड़ा स्टाइल इसको बोलते हैं साउथ इंडिया में अगर बात करें तो इस तरह का होता है ये क्या होता है ये विमान होता है ठीक है ड्रॉइंग तो तुम लोग को पता ही है ना हमारी जो मतलब स्टूडेंट हैं हमारे उनको पता है कि हमारी ड्रॉइंग जो है कितनी महान है ठीक है आर्ट वाली क्लास में जो है हम हमेशा टॉप करते थे भाई <laughs> साहब आर्ट वाली मैम जब याद करता हो ना क्या मारती थी मतलब मारने की जगह एक और दूसरा वर्ड आ रहा था लेकिन खैर कोई नहीं तो बहुत तगड़ा से मारती थी मतलब <laughs> ये हमारा नगर मतलब सोच के ये लगता है कि अब आर्ट वाले भी बताओ आर्ट वाले पीरियड में भी पिटाई हो रही है खैर तो नगर ये था स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये होता है विमान ठीक है जिसको कि यहाँ बोलते हैं शिखर एक्चुअल में ठीक है बट इसको यहाँ पे बोल देते हैं विमान ऐसा है नहीं कि साउथ इंडिया वाले में शिखर होता नहीं है टॉप में जो बैठा वो शिखर ही है जिसको कि और इसके ऊपर कैप स्टोन रखा है जरा बताओ जो बृहदेश्वर टेम्पल है ना रायूर में जिसको कि राजा राजा र्याजर वन ने बनवाया था अभी आगे आएंगे टेम्पल्स भी देखेंगे तो बताओ ये कितना कितने किलो का ये कैप स्टोन है जल्दी से बताओ कॉमेंट में शिखर ठीक है तो ये विमान है और फिर हमने देखा था कि आप जब एंटर करते हैं ठीक है जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं यहां पे सबसे पहले तो आपको यह होना चाहिए अंदर जहां पे चीफ डीटी इंस्टॉल होते हैं उसको बोलते हैं गर्भ गृह है। गर्भगृह देन आपको देखने को मिलेगा मंडप दैट इज अ काइंड ऑफ पिलर्ड हॉल और यह जो बात कर रहा है ना ये, ग, ये इसकी गोपुरम इसका आंसर होगा गोपुरम है क्या मैंने आपको बताया था जैसे ये टेम्पल है मान लो ठीक है यह टेम्पल है फिर टेम्पल में ये आपका मंडप हो गया जहाँ आप घुसोगे और फिर एक ऐसे छोटा सा घुसने के लिए एंट्रेंस है जैसे नहीं एंट्रेंस होता है जो कि नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है सिर्फ साउथ इंडिया के टेम्पल में देखने को मिलेगा और मैंने आपको वो मैप वो पिक्चर के थ्रू दिखाया भी था ब्रहदेश्वर ब्रीदे, टेम्पल वाला ठीक है तो यहाँ से आप एंटर करते हो और एक चीज़ हमें क्या देखने को मिलती है नॉर्थ इंडिया में क्या है नंदी अंदर होते हैं नंदी नंदी इज़ इनसाइड दी टेम्पल बट साउथ इंडिया में नंदी बाहर होते हैं साउथ इंडिया में आपको तालाब देखने को मिलेगा आसपास साउथ नॉर्थ इंडिया में नहीं देखने को मिलेगा और ध्यान रखना ये uh, ये आपका पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बने होते हैं ज़्यादातर जो टेम्पल हैं खासकर जो नगर वाले हैं ना नॉर्थ इंडिया वाले वो बने होते हैं बट ऐसा नहीं कि साउथ इंडिया वाले नहीं बने होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर होता है क्या इस बार उसने स्टेनो वाले एग्जाम में पूछ लिया था पंचायतन स्टाइल ये होता है मैंने आपको बताया था ये है मेन टेम्पल और यहाँ पे छोटे छोटे मतलब मूर्तियाँ स्थापित हैं ठीक है किसी भगवान के ऐसे यहाँ पे गणेश जी यहाँ पे शिव जी यहाँ पे लक्ष्मी जी यहाँ पे विष्णु जी इस तरह से तो ये चार ये हो गए और पाँचवें ये हो गए हमारे तो पंचायतन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं हम लोग अब ज़्यादा इसमें डीप मेमरी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है इन सन टेम्पल ऑफ कौनार्क वॉज बिल्ट बाई नरसिम्ह देव वन विच डायनेस्टी ही बिलोंग टू तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जिन्होंने सन टेम्पल कोनार्क जो कि कहाँ पर है जो कि उड़ीसा में है तो इसको बनवाया था तो किस डेनेस्टी से बिलोंग करते थे गंगा डेनेस्टी से बिलोंग करते थे या फिर ईस्टर्न गंगा डेनेस्टी से बिलोंग करते थे जो कि ईस्टर्न इंडिया के जो उड़ीसा वाला पार्ट है वहां पर रूल करते थे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ ऑफ वाहिंद तो वाहिंद का युद्ध जो है किसने लड़ा था आनंद पाल महमूद गजनवी जयपाल महमूद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी या फिर जयचंद और बख्तियार खिलजी इस क्वेश्चन को आप इसका ईयर देख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं कैसे अभी हमने पढ़ा था क्या कि पहला इस्लामिक इन्वेडर 712 सौ में आया था मोहम्मद बिन कासिम और एक हज़ार एक एडी में दूसरा ट्रैवलर आया था इस्लामिक इन्वेडर आया था महमूद ऑफ़ गजनवी ठीक है तो गौरी तो हो ही नहीं सकता ना बिकॉज इसका पहला इन्वेजन तो ग्यारह में देखने को मिलता है यानी कि अभी से लेके हम बोल सकते हैं कि डेढ़ या फिर एक साल बाद तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं और जयचंद कब देखने को मिलते हैं जयचंद भी हमें मोहम्मद गौरी के टाइम पे देखने को मिलता है और बख्तियार खिलजी कौन था ये आपका जो मोहम्मद गौरी आया था उसका एक स्लेव था जैसे कुतुबुद्दीन एबाक का एक स्लेव था वैसे बख्तियार खिलजी भी उसका एक स्लेव था जो कि जिसने की जो बिहार और बंगाल वाला रीजन है यहाँ पे ये रूल कर इसने थोड़ा सा किया था तो ये भी नहीं होगा आंसर क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सिंपल आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं और बख्तियार खिलजी के रिगार्डिंग हमें ये याद आना चाहिए कि जो नालंदा है और जो विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है इसको डिस्ट्रॉय करने का काम इसी बंदे ने किया था बख्तियार खिलजी ने आगे बढ़ते हैं और द चोला एरा वॉज फेमस फॉर तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था रिलीजियस डेवलपमेंट विलेज असेंबलीज वॉरफेयर विद राष्ट्रकूटर्स या फिर ट्रेड विद ट्रेड फ्रॉम श्रीलंका किसके लिए फेमस था तो चोला जो एरा है वो काफी चीज़ों के लिए फेमस था अगर हम देखें तो जो श्रीलंका है जो पहले सिलॉन के नाम से जाना जाता था उस समय इसको इनको इसको कांकर करने का काम इन्होंने किया था एक्चुअल में जो चोला डानेस्टी के फाउंडर थे विजय लाया फिर उनके बाद आते हैं राजा राजा वन तो राजा राजा वन ने नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट जो है श्रीलंका का उसको कैप्चर किया देन उसके बेटे उन, उनके बेटे आए राजेंद्र चोला वन उन्होंने पूरी तरह से कॉन्कर किया इसको श्रीलंका को ना सिर्फ श्रीलंका को बल्कि यहाँ पे इंडोनेशिया में शैलेंद्र डायनेस्टी का रूल था ये शैलेंद्र डायनेस्टी के बारे में सीजियल दो से तेईस में पूछा गया है तो शैलेंद्र डायनेस्टी ये पूछा था कि किस धर्म को मानते हैं इस तरह से तो ये बुद्धिज्म धर्म को मानते थे ठीक है तो यहाँ पे भी इन्होंने अपना एक तरह से जीत हासिल की राजेंद्र चोला वनन ने क्यों हासिल कर पाए थे अप, अपनी एफिशिएंट नेवी की वजह से ठीक है नेवल एक्सपेडिशन की वजह से बट ये जाने किसके लिए जाते हैं है? मेनली विलेज असेंबलीज़ के लिए अगर हम यहाँ पे चार ऑप्शन में पिकअप करना हो तो विलेज असम्बलीज़ के लिए जाने जाते हैं ठीक है जो कि अभी हमने देखा भी था ऑल राइट right. आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ठीक है द इकोनॉमिक इसको है तो स्किप कर दो ठीक है इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे उन्हें रख तो दिया था लेकिन स्किप ही कर दो ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हु अमंग दी हु दी फाउंडर या फिर जब हम लोग सीजल पे आएंगे ना जब आप लोग सीजल टी ए वन क्लियर कर लेंगे तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करेंगे और फिर कैसे इनको निट्टो से उड़ाना होता है वो भी देखेंगे ठीक है हु एज दी फाउंडर ऑफ दी चोला डायनेस्टी चोल वंश के संस्थापक कौन थे राजेंद्र दी फर्स्ट आदित्य द फर्स्ट राजा राजा करे में तू समाजा मतलब विजय आया बताइए कौन थे तो चोला डायनेस्टी की अगर बात करें फाउंडर इसके थे विजय आया इन्होंने मुतरैय्यार जो किंगडम एग्जिस्ट करता था ठीक है मुतरैय्यार जो किंगडम एग्जिस्ट करता था कहाँ पे कावेरी डेल्टा में ये कावेरी रिवर है यहाँ पे तमिलनाडु में इसका डेल्टा बनता है और यहाँ पे जो है मुतरैयर किंगडम था इसको हरा के विजय फाउंडर फाउंड करी थी इस डेनेस्टी को विजय के रिगार्डिंग हमने एक और देखा था कि उन्होंने टेम्पल बनवाया था किस गॉडेस के लिए ये आप जल्दी से कॉमेंट बताएंगे किस गॉडेस के लिए जिनका नाम एन से चालू होता है ठीक है और कुछ तो नहीं देखे थे और कुछ कुछ देखे थे नहीं अब आगे की जो रूलस है उनके बारे में देखेंगे तो गॉडेस निशुम्बा सुदनी ठीक है निशुम्बा सुदनी के लिए ये टेम्पल बनवाए थे अब आगे बढ़ते हैं तो पहले इसके बाद हमारे रूलर आते हैं राजा राजा वन जो कि एक प्रोमिनेंट रूलर है तो राजा राजा वन के अगर हम बारे में बात करें तो 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 क्या हम इनके बारे में देख सकते हैं तो टेम्पल अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं और आगे आई थिंक क्वेश्चन होगा भी तो राजा राजा वन में इनका एक टेम्पल इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट और तो ऐसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम राज राजेश्वर के नाम से जानते हैं बाकी राजेंद्र चोला वन के बारे में हमने देखा था ठीक है राजेंद्र चोला फर्स्ट

कंबा रामायणम द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ एपिक रामायण टू एनी इंडियन लैंग्वेज वॉज कम्पलीटेड बाई विच ऑफ द तमिल स्कॉलर ड्यूरिंग द रजीम ऑफ द चोला एम्पायर तो कम्बा रामायण एक तरह से पहला ट्रांसलेशन हो सकते हैं वैसे तो ट्रांसलेशन बहुत हुए थे अकबर के टाइम पे उसने एक महताब खाना सॉरी मकताब खाना करके पूरा एक डिपार्टमेंट इस्टैब्लिश कर लिया था सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए ही तो हम आगे देखेंगे बट यहाँ पे सबसे पहले अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो ये कंबर जी ने किया था कंबन नहीं कंबर होगा ये ठीक है तो कवि चक्रवर्ती कम्बर ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है सेवनटीन ब्रियदेश्वर टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड राजेश्वरम और पेरू दैयर कोविल ऑफ तंजावुर तमिलनाडु बिल्ट विच चोला किंग तो अब टेम्पल को पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं इसीलिए मैं पूरा वहां पे भी करवा नहीं रहा था ठीक है बिकॉज मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन तो होगा टेम्पल <coughs> टेम्पल की अगर बात करें तो दो टेम्पल कैसे वैसे तो तीन टेम्पल हैं ब्रियदेश्वर मैंने ऐसे पूरा चार्ट बनवा के आपको करवाया था ब्रियदेश्वर एक साइड लिखो और एक साइड लिखो ईरावतेश्वर ठीक है और बृहदेश्वर को देन फर्दर बाइफर करो दो में एक तो जो आपका उरायूर या फिर तंजौर सॉरी उरायूर में नहीं तंजौर में ही तंजौर जिसको कि तंजावुर के नाम से जानते हैं और दूसरा हमारा गंगई कोंडा चोलापुरम में ठीक है गंगई कोंडा चोलापुरम में था इसको बनवाया था राजा राजा वन ने अब क्योंकि इसको राजा राजा वन ने बनवाया था तो इसको हम इसीलिए बोल देते हैं राज राजेश्वर मंदिर क्या बोल देते हैं राज राजेश्वर मंदिर भी बोल देते हैं इसको हम लोग और गंगाई कोंडा चोलापुर में जो बनवाया था उसको हम बृहदेश्वर टेम्पल ही बोलते हैं उसको कुछ नहीं बोलते ठीक है तो इसको लेकिन बनवाया किसने था इसको राजेंद्र चोला वन ने ठीक है फिर राजेंद्र दी फर्स्ट ने और ऐरावतेश्वर टेम्पल जो है इसको बनवाया था राजा राजा सेकंड ने ठीक है राजा राजा द ने और हमें ये ध्यान रखना है कि तीनों टेम्पल यूनेस्को के वर्ल्ड लिविंग हेरिटेज साइट में आते हैं ठीक है ग्रेट ग्रेट चोला आर्किटेक्चर ठीक है या फिर ग्रेट चोला टेम्पल्स में इनको इंक्लूड किया जाता है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे ब्रिदेश्वर टेम्पल राज राजेश्वर हम पूछ रहा है तो आंसर वुड बी राजा राजा फर्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन फेमस साउथ इंडियन द बैटल ऑफ तक्कोलम वॉज फॉट बिटवीन तो बैटल ऑफ तक्कोलम किसके बीच में हुआ था ऑप्शन आपके सामने हैं चोला एंड होयसाला और चोला एंड राष्ट्रकूटास ठीक है और चोला एंड नॉर्थ चालुक्यस और या फिर चोला एंड पांड्यास सर ठीक है जो भी इस तरह के डाउट्स हो ना तो लास्ट में आप पूछेगा जैसे कि कुछ भी बैच है फिर इससे बीच में नहीं ठीक है चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे चोलक्कम का युद्ध पूछ रहे हैं तक्कोलम तो तक्कोलम हुआ था चोला और राष्ट्रकूटा के बीच में ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा ठीक है चोला एंड राजकूटा और वैसे तो शायद ही पूछे बट राजकूटा के कौन रूलर थे कृष्णा द थर्ड लेकिन बहुत 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 ही कम चांसेस है कि पूछे ठीक है तो बस बैटल ऑफ तक्कोलम थोड़ा याद रखना चोला और राजकूटा इसके बीच में हुआ था वही राष्ट्रकूटा याद आ रहा है आपको जो दंतीदुर्ग ने फाउंड किया था वही राष्ट्रकूटा जिसको कि जिसमें की कि कीर्ति वर्मन टू हराए गए थे भाई दी दंतीदुर्ग जिसकी कैपिटल क्या थी मान्य खेत कैपिटल थी इन चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश वॉज द असेंबली इन द विजेस वेयर इनहेबिटेड प्रीडोमेंटली बाई तो कौन सी ये लोग असेंबली करते थे याद रखा था वैदिक एज से रिलेट करके याद रखा था कि वैदिक एज में दो होती थी या फिर तीन होती थी सभा समिति और विदठ ठीक है सभा समिति और विदठ करके हम लोगों ने देखा था सभा क्या थी सभा एक तरह से थी कि सभा हमने पढ़ा था कि भाई ये कॉमन लोगों की असेंबली थी ठीक है कॉमन लो की हम बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में कॉमन लो की नहीं थी कॉमन लो की अभी अभी हम बोलते हैं लेकिन ये ब्राह्मणास की थी ठीक है इस तरह से हम लोगों ने इसको याद किया था तो ये ब्राह्मण की थी समिति किसका एक तरह से असेंबली थी कॉमन जो पीपल हुआ करते थे आम लोग उनकी असेंबली होती थी विदट की अगर कर बात करें तो रिलीजियस असेंबली थी ठीक है ये आपकी रिलीजियस असेंबली हुआ करती थी जो कि लेटर वैदिक एज में जाके खत्म हो जाती है तो उसी से हमने रिलेट किया था कि सभा जैसे उस टाइम पे ब्राह्मण्स की थी वैसे इस टाइम पे भी चोला के टाइम पे ब्राह्मण्स के असेंबली है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा उर किसकी थी उर थी कॉमन लोगों की ठीक है कॉमन पीपल की थी यह क्वेश्चन अच्छा ये बताइए दो तरह के मैंने आपको टैक्स बताए थे टू टाइप्स ऑफ टैक्स जल्दी से बताइए वो जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे लगते थे एक का नाम वी से स्टार्ट होता है एक का नाम के से जल्दी से बताइए वो क्या थे चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि जो डोनेशंस होते थे ठीक है तो डोनेशंस किसको कौन से क्या बोलते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है जल्दी से बताइए आप सबका सही आंसर है तो यहाँ पे वेट्टी वी से जो स्टार्ट होता है उसको वेट्टी बोलते हैं और के से जो स्टार्ट होता है उसको कादम आई बोलते हैं इसमें से आपका बॉन्डेड लेबर के फॉर्म में कौन सा था तो बॉन्डेड लेबर इस फोर्स लेबर के फॉर्म में ये था आपका ठीक है वेट्टी फोर्स लेबर के फॉर्म में था और ये जो था कादमई ये आपका लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में था ठीक है सर्दियों में पैर काफ़ी ठंडे होते हैं ना चलो तो पल्ली छंदम शालभोग देवदान और वल्लन गई तो भाई हमने नहीं कैसे आती आता भाई एस से शालभोग एस से स्कूल कहाँ हो भाई स्कूल ये है ठीक है थर्ड हो जाएगा फिर देवदान देवों को दान दिया दा, जा रहा है यानी टेम्पल्स में देव बैठते हैं हमारे गर्भगृह में है ना तो फोर्थ हो जाएगा वैसे तो थ्री फोर्थ से क्या किया जा सकता है वैसे तो वेल्लन गई आपका ये होगा पल्ली वाला तो जैन हो जाएगा और वेल्लन गई जो है नॉन ब्राह्मण हो जाएगा लेकिन देखते हैं क्या क्या बी सी चलो कर ही लेते हैं यार ठीक है ये टू हो जाएगा और पल्ली वाला हो जाएगा आपका ये ठीक है हम लोगों ने ऐसे देखा था कि भाई पल्ली बिछा के रहते हैं कौन जैन वाले लोग ठीक है मतलब दिल पर नहीं लगा कोई बिकॉज मुझे पता है जैन आ, समाज के भी काफी सारे स्टूडेंट होंगे है ना और मैंने बताया था भी कि किस तरह से जो हमारे जैन समाज के लोग हैं वो काफी ज्यादा हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो बस सारी चीजें जो भी होती हैं याद करने के लिए होती हैं ठीक है तो वन थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू ऑप्शन नंबर टू यहां पे सही आंसर होगा ठीक उरायूर वॉज एन एंशंट चोला सिटी फेमस फॉर तो उरायूर किसके लिए फेमस थी पर्ल्स के लिए शिप बिल्डिंग के लिए हाउसेज के लिए फिर ग्रामर के लिए तो भाई ये फेमस थी पर्ल्स के लिए अच्छा मैं जब पर्ल्स देखता हूँ ना तो मुझे पांड्यास की भी याद आती क्यों याद आती है क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो मेगस्थनीस की इंडिका है ठीक है जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने अपनी जो किताब है इंडिका उसमें सिर्फ ऐसा नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही लिखा था ठीक है उन्होंने पांडास के बारे में भी इनको क्या बताया था इनको बताया था सिटी ऑफ पर्ल्स ठीक है या फिर ट्रेडर ऑफ़ पर्ल्स की मतलब पर्ल्स की ट्रेडिंग करते हैं ऐसा इन्होंने बोला था अपनी बुक इंडिका में ये बताइए कि मेगस्थिनिज ने अपनी एक बुक इंडिका में जो हमारे वर्ल्ड हैं फिर कितनी कैटेगरीज में हमारी सोसाइटी इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया था ठीक है और आप ये भी बताएंगे कि ये था हमारा चेहरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं वैसे तो एशियन का पार्ट है चेरा पांड्या चोला ठीक है, इनके कैपिटल इनका एम्बलेम सब बताएंगे आप तो चेरा ही है हमारा, इसकी कैपिटल क्या थी चोला ही है हमारा, इसकी कैपिटल क्या थी सॉरी पांड्या है और ये चोला है इसकी कैपिटल और एम्बलेम क्या था ठीक है तो ये है आपका पांडा और इनकी पोर्ट सिटी भी अगर आप बता सकें तो तो चेरा की अगर हम बात करें वंजी ठीक है मुजरी एंड टोंडी मुजरी एंड टोंडी आर इट्स व्हाट पोर्ट सिटीज पांड और इसका एम्बलम इसका एम्ब्लम क्या था बो एंड एरो बो एंड एरो या फिर जैसे इसको देखा करो तो राम जी की याद कर लिया करो तो राम जी का भी एम्बलम बो एंड एरो ही तो है तो पांडे की अगर बात करें तो मदुरई जो कि टेम्पल्स के लिए फेमस है मदुरई और वो क्या था इसका तो ये था फिश मछली है ना और अगर हम बात करें तो चोलास की और चोलास की क्या हमने पहले तो कैपिटल तो कैपिटल पहले तो हमें याद ध्यान रखनी जो एक पहले हमने देखा था एक चोला डेनेसिटी एम जो हुई थी एशियंट एशियट इंडिया में तो उरायूर इसकी फिर थी देन तंजौर हो गई थी इसकी कैपिटल एंड देन हमें पता है कि राजेंद्र वन ने इसकी कैपिटल शिफ्ट करके तंजौर या फिर तंजावुर से गंगई कोंडा चोला कर दी थी ठीक है तो ये ध्यान रखना और इसके एम्ब्लेम की बात करेंगे तो टाइगर इसका एम्ब्लैम है और पूहड़ इसकी पोर्ट सिटी है पूहर ठीक है चोलास की और कुछ पूछा था हाँ सेवन इसमें जो है सात वर्णों में डिवाइडेड है ये इन्होंने बताया था ठीक है आगे बढ़ते हैं द अर्स्ट रेफरेंस ऑफ द यूज़ ऑफ मैग्नेटिक कंपास इन द इंडियन सीज वॉज यूज डन बाई भारतीय समुद्र में चुंबकीय कंपास के उपयोग का सबसे पहला संदर्भ किसके द्वारा दिया गया था मार्को पोलो इबन बतूता uh, सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी या फिर नन ऑफ द अबव तो कौन होगा तो मैग्नेटिक कंपास का यूज़ इंडियन सीज तो इब्न बतूता तो नहीं था ठीक है ये एक मुरक्ा का ट्रैवलर था जो मोहम्मद बिन तुगलक ठीक है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था और विजयनगर किंगडम में भी गया था तो ये तो नहीं है आंसर इसका सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफ़ी होगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक अगले क्वेश्चन पे आते हैं ट्वेंटी थर्ड हु आर नोन एज बंजारा इन मेडिवल इंडिया बंजारा के तौर पे कौन जाना जाता था मेडिवल इंडिया में कि मैंने आपको अगर आपको याद हो ढंग से अगर आप फोकस के साथ लेक्चर करते हैं तो मैंने आपको बताया था ये मुझे याद है मैंने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बताया था कि भाई अलाउद्दीन खिलजी अपने एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए बहुत जाना जाता है कि भाई इसने क्या किया था कि आधा टैक्स लेता था ये बट फिर भी ज़्यादा कुछ रिवोल्ट हुए नहीं क्योंकि इस पर पूरे मार्केट को भी कंट्रोल में रखता था चेक्स एंड बैलेंसेज मेंटेन करके रखता था शहनाई मंडी के थ्रू और एक ये बोलता था कि जो आधा आप दोगे आधा आप दोगे जो भी प्रोड्यूस है तो आधा जितना भी दोगे तो आधा जो बंजारा लोग हैं आधा तो ये लोग क्या करेंगे आधा मार्केट में सेल कर लेंगे और सेल करके जितना पैसा आएगा वो दे देंगे और आधा जो है बंजारा लोग डिपॉजिट कराएंगे या फिर बंज... एक तरह से आधा जो है बंजारा लोग लेके आएंगे अलाउद्दीन खिलजी के पास तो ये बंजारा कौन थे एक तरह से ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड सचेज ग्रेन थे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा ट्वेंटी फोर द मेडिवल ट्रेवलर मार्को पोलो वॉज फ्रॉम तो मार्को पोलो कहाँ से था ये ये जीरोज से था ये पेरिस से था ये इस्तांबुल से था या फिर ये फिर वेनिस से था बताइए जल्दी से तो अगर हम बात करें जो मार्को पोलो ये कहाँ से था यह आई थिंक 1271 सेवनटी वन जीरो तो नहीं होगा ये आपका वेनिस से होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी डी क्योंकि स्तंबल तो हो तो ही नहीं सकता है ठीक है पेरिस वेनिस, हाँ वेनिस ही हो ठीक है इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा विद नो डाउट वेनिस ठीक आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है एंड दैट इज क्वीन नाइकी देवी इज रिमेंबर्ड एज दी वेमेन हु डिफीटेड डैश इन इलेवन सेवेंटी तो नाइकी देवी ने किसको हराया था इसमें ग्यारह सौ एडी में गैस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होनी नहीं, नहीं चाहिए रीज़न मोहम्मद बिन तुगलक अगर आपको टाइम पीरियड भी पता है ना तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक तो खुद ही सोचो है डेली सल्तनत क्या रूलर है डेली सल्तनत खुद ही बनी थी बारह में तो अब ही बात है ग्यारह में तो बात ही नहीं आती है और पहले तो स्लेब डेनेस्टी आती है दैन खिलजी डेनेस्टी आती है देन तुगलक डेनेस्टी कहीं जाके आती है ये तेरह में आया था मोहम्मद बिन तुगलक तो ये तो हो ही नहीं सकता है तेरह में आया था ठीक है थर्टीन में अब मोहम्मद अल बकीर ये भी नहीं होगा अल शाहिद मोहम्मद भी नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे तो अभी मैंने बताया था कि मुह, जो मोहम्मद गौरी है इसने पहला अटैक 1175 सेवेंटी में किया था और मुल्तान में अटैक किया था देन फिर नीचे के थ्रू ये यहाँ से आ रहा था ठीक है और फिर क्वीन ना देवी ने इसको आ रहा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा जो कि एक वकट रूलर थी तो वकट जो प्रिंस थे उनकी टा का नहीं पे एक राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी उसकी आ, उसके एक रूलर की ये विडो थी ठीक है क्वीन नईकी देवी जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था मोहम्मद गौरी वॉज लाइक गजब बेजती है लेकिन उसने बेजती को दिल पे नहीं लिया दिल पे ले लिया होता सोचो है ना कि मतलब क्वीन से हार गया बताओ तो फिर 1192 में वो पृथ्वीराज दर्ड को ना हरा पाता है कि नहीं तो 26 मलिक काफूर वाज द कमांडर हो हो हो, हो, हो। यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत बट बिफोर दैट यहाँ पे थोड़ा सा प्रीफेस देख लेते हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत किस किस तरह से स्टार्ट होता है तो दिल्ली सल्तनत हमने देखा था कि जो दिल्ली सल्तनत है ये कैसे स्टार्ट होता है ये ऐसे स्टार्ट होता है कि जो मोहम्मद गौरी है ठीक है मोहम्मद गौरी ये अटैक करता है इंडिया में इलेवन में पहले बार मैंने आपको बताया था जीता फिर इलेवन में कोई नई के देवी से हारा देन इलेवन में फिर हारा बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट वाला देन फाइनली जाके जीता इलेवन में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन और जब ये जीत गया तो यहाँ पे इसके कई सारे ग़ुलाम थे आ, स्लेव थे उनमें से एक हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इनको बोला कि आप जो है दिल्ली में शासन करो तब तब तक हम हो के आते हैं अपने होम कंट्री से मिल के आते हैं अपनी तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इन्होंने 1206 सौ ए डी में यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर दी और ये जो डली सल्तनत है इसमें बहुत सारी डायनेस्टीज़ आती हैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो जैसे अभी मध्य प्रदेश है ठीक है तो मध्य प्रदेश है तो फिर से बीजेपी आ गई तो पहले कांग्रेस हुआ करती होगी या फिर यूपी पी कर लो कि पहले बसपा फिर सपा फिर अभी भाजपा दिन हो सकता है कांग्रेस तो ये क्या है ये है तो स्टेट यूपी ही लेकिन उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या आ रही गवर्नमेंट्स आ रही हैं मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ आ रही तो जैसे डेली सल्तनत में डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ आई जिनको हमने कैसे याद रखा था कैसे याद रखा था सख्त सा लौंडा इस तरह से हम लोगों ने याद किया था ठीक है तो सख्त एस से हो जाएगा स्लेव डेनेस्टी जिसको कि हम गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश भी बोलते हैं दूसरा है हमारा खिलजी डेनेस्टी तीसरा है हमारा ओहो हो, हो सख्त सा सख्त सा एक सेकंड रुको सख्त में तो नहीं है ठीक है खिलजी देन तुगलक देन सैयद देन लोदी अगर सैयद डेनेस्टी को छोड़ दें तो बाकी जितने भी थे इनका जो ओरिजन है वो टर्किश ओ ओरिजन है एंड वेन आई से टर्किश ओ ओरिजन दैट मीन कौन सी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ जरा बताइए कॉमेंट में हु? कौन सी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ मैं टर्की की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तुर्क की बात कर रहा हूँ ठीक है टर्की नहीं तुर्कमेनिस्तान ठीक है ध्यान रखना इसको तो ये डेनेस्टीज आई तो सबसे पहली स्लेव डेनेस्टी आई बारह में ये डेनेस्टी इस्टेब्लिश होती है क्लियर और ये यहाँ पे जो सॉरी ये बीच में खांसी हो जाती है इसके लिए बहुत बहुत सॉरी ठीक है मलिक काफूर की बात करें वॉज कमांडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग खिलजी रूलर्स हु सेंट हिम विद हिज लार्ज आर्मी टू कॉन्कर साउथ इंडिया तो मलिक काफूर किसका कमांडर था सबको पता है मलिक काफूर जो है ना सिर्फ कमांडर था बल्कि बेगम था किसका अलाउद्दीन खिलजी का ठीक है ऑप्शन नंबर बी तो मलिक काफूर जो है ये एक इसको हम हजार दिनारी के नाम से जानते हैं क्यों क्योंकि इसको हजार दिनार में खरीदा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब एक गुजरात एक्सपीडिशन करने गया था तो वहीं पे इसको मलिक काफूर को खरीदा था हजार दिनार में तो हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है जो कि एक एन था एन एच मतलब हिजड़ा था बोल सकते हैं ठीक है ठीके? और मलिक काफूर ने जो है साउथ इंडिया में जो है एक्सपेडिशन किए थे तो इसने यहाँ पे यादव रूलर थे उनको हराया था चोलास को भी हराया था ठीक है जो ककातिया डेनेसिटी थी उसको भी हराया था तो इन्होंने काफ़ी सारे इसको इनने जो हराया था ठीक है जो वरंगल के काकातिया थे यादव ऑफ देवगिरी चोलास को इन सबको जो है हराया था साउथ इंडिया में काफ़ी एक्सपेडिशन किए थे इसने अलाई दरवाजा दी गेटवे इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली कौत्तुल कंस्ट्रक्टेड बाई अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण किसने करवाया जो कि एक सदर्न गेटवे है कुत्तुल इस्लाम सॉरी तो गेटवे तो ऑफ इस्लाम वॉज ठीक है तो कुत्तुल इस्लाम बोल दो या फिर कुतुब तो मीनार बोल दो क्योंकि भाई तो बगली में अच्छा इस्लाम किसने बनाया था अलाई यहाँ पूछ रहा है अलाई दरवाजा किसने बनवाया था लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये भी बताओ कि कुत्तुल इस्लाम किसने बनवाया था तो अलाई दरवाजा की अगर बात करेंगे तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा ये अलाई दरवाजा है क्या तो गेट वे एक गेट वे मैंने आपको पूरा पिक्चर दिखाया था इस तरह से गेट वे है यहाँ पे कुतुब मीनार है और उसी के बगल में कुत्तुल इस्लाम है जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम बनवाया था और क्या बनवाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा अढ़ाई दिन का झोपड़ा और इसको याद कर सॉरी ये बताइए कि है कहाँ पे जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है है ना और और कुछ चलिए तो हाँ कुतुबुद्दीन एबक ने यहाँ और क्या बनाया था तो ये बनवाया था और साथ ही साथ कुतुब कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था अपने जो गुरु थे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर तो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा जो है वो आपको अजमेर में देखने को मिलेगा अच्छा ये कमेंट में हम बताएंगे आप कि जो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है जो कंस्ट्रक्ट स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन एबक ने ये जो कंस्ट्रक्शन है कुतुब मीनार का ये कितने स्टोरेज हैं इसमें कितनी हाइट है कितने माले हैं और कितनी हाइट है ठीक है और ये आप बताइए कि ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये किस 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 नहीं गतुल इस्लाम जो है ये किस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है ये आप बताएंगे बाकी जल्दी से हम ये देखते हैं कि इस डायनेस्टी में कैसे कैसे रूलर्स आए ठीक है थीके? तो हमारा सबसे पहले ध्यान रखना हमें कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक आया कब आया था ये बारह में इसने अपना रूल स्टार्ट किया और कब तक रहा 1210 में और इस ये गुलाम था किसका गुलाम था मोहम्मद गौरी का इसीलिए इस वंश को गुलाम वंश बोलते हैं क्यों क्योंकि ना सिर्फ ये गुलाम था बल्कि इसका जो अगला रूलर था अलतुतमिश वो भी गुलाम था इसका और ना सिर्फ गुलाम था बल्कि दामाद भी था तो बारह से ले कर तक ये रूल करता है देन इसकी बेटी आती है रज़िया सुल्तान जिनके साथ मोह मोए हुआ था हमने देखा था ठीक है तो 1236 से ले 1240 तक रहती हैं ये और रज़िया इज़ दी फर्स्ट वेमन रूलर ऑफ़ द मेडिवल इंडिया ठीक है तो रज़िया सुल्तान बारह सौ छत्तीस से लेकर बारह सौ चालीस दिन हमें पता इनके साथ कैसे कैसे मोए मोए हुआ था अल्तूनिया कोरोने गई थी याकूत के साथ मिलकर याकूत को तो मार दिया अल्तनिया ने अल्तनिया से शादी कर ली वापस आ रही थी खोखा ट्राइब ने मार दिया बीच में ठीक है बारह सौ चालीस में देन आता है हमारा बलबन बलबन ऐसा नहीं तुरंत आ जाता है बलबन आता है बारह सौ छाछठ में ट्वेल्व सिक्सटी सिक्स में बारह सौ सतासी तक रहता है ये रूल में एंड देन यहाँ के बाद इस डेनिस्टी का हो जाता है अंत स्लेव डेनेस्टी का और उसके बाद आती है खिलजी डेनेस्टी ठीक है तो बिकॉज बलबन के बाद जो इसका मतलब सन आ, मतलब ग्रैंड सन था कैकूबाद ठीक है कैकूबाद वो बहुत ही वीक था मतलब ना के बराबर आप ऐसे समझ सकते हो तो स्टोरेज की अगर बात करें कुतुब मीनार में टोटल आ, पांच स्टोरेज हैं और हाइट की अगर बात करें 72.5 मीटर टू बी प्रसाइज और एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा तो उसमें तिहत्तर मीटर दे दिया था कव इस्लाम तो अगर बात करें कॉरबेल्ड आर्च कॉरबेल्ड आर्च अगला है हमारा ये <coughs> द सुल्तान हु डिस्क्राइबड हिमसेल्फ है सिकंदरे सैनी सेकंड एलेक्ज़ेंडर किसने बोला था ख़ुद को बलबन खिलजी uh, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोधी कौन था सिकंदर सैनी सेकंड एलेक्ज़ेंडर अच्छा अलेक्जेंडर से uh, हम लोग को अगर हम लोगों ने जो क्या क्या, क्या चीज़ें याद करी थी कि कब से अटैक किया था थ्री ट्वेंटी सिक्स में इसने लड़ा था बैटल ऑफ हिडाप्सिस किसके साथ लड़ा था बैटल ऑफ हिडापसिस ये लड़ा था जो पोरस थे पोरस पोरस कहाँ के राजा थे हमने देखा था जो सतलज के रिवर के पास जो किंगडम था उसमें तो ये जो आ, मतलब ये झेलम नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया था और ये बताएंगे कि इस टाइम पे मगध पे किसका शासन था जल्दी से सिकंदर सैनी यह बोला था अलाउद्दीन खिलजी ने और अलाउद्दीन खिलजी को एक और टाइटल मिला था सिकंदर सैन सिकंदर आजम ठीक है सिकंदर सैनी तो हो गया सिकंदर आजम ये टाइटल किसने दिया था हु हुव टाइटल ऑफ सिकंदर आजम तो क्या पूछा था हाँ इस समय धनानंद का रूलर था रूलर था धनानंदा चौड़ी आकर देखा हमसे डर गया वो ठीक <laughs> है सिकंदर आज़म की अगर बात करें ये टाइटल दिया था अमीर खुसरो ठीक है और अमीर खुसरो को जो है ये जो अमीर खुसरो हैं इनको इनका क्या टाइटल था जो कि एक्चुअल में औरंगजेब नहीं दिया था औरंगजेब को इन्होंने टाइटल दिया सिकंदर आज़म का और इन्होंने बोला कि और औरंगजेब खुश हो गया ओह चलो तुमको भी कुछ टाइटल देते हैं हम तोते हिंद ठीक है तोते मतलब कि तुम पैरट जैसी तुम्हारी आवाज है तोते की जैसी आवाज है तुम तोते हो एकदम ठीक है और आमिर खुसरो आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग द रेन अलाउद्दीन खिलजी हु और आमिल तो आमिल कौन थे गवर्नमेंट एजेंट्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू लोकल लैंड लॉट्स एट विलेज लेवल और जो है खुसरानी एंड मुल्तानी ट्रेडर्स बंजाराज हु द तो फूड ग्रेन ये बंजारा तो नहीं थे आमिल कौन थे जिनको रेवेन्यू कलेक्शन का काम मिला हुआ था कि आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर करके हमको देना है ये बोला था ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी आमिल्स को किसने दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है ठीक चलिए आगे बढ़ा जाए कुछ क्वेश्चन पूछा था पे ना नहीं क्वेश्चन पूछा तो आगे ये क्वेश्चन आप अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर द डेली थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फैबुलस वेल्थ फ्रॉम तो इसने थ्रोन कैप्चर किया था किससे किया था इसी के ही जो ससुर जी थे कौन जलालुद्दीन खिलजी ठीक है जलालुद्दीन खिलजी उनसे इसने थ्रोन कैप्चर किया था और थ्रोन कैप्चर करने के बाद और अच्छा कब कैप्चर किया था बारह सौ छियानवे ट्वेल्व नाइनटी सिक्स याद करना आसान है कैसे बारह 120, बारह में ये डायनेस्टी सल्तनत आती है डेली सल्तनत है कि नहीं कुतुबुद्दीन है बारह सौ बस इसमें छः जीरो को जगह नौ कर देना है क्यों नौ कर देना है क्योंकि भई अलाउद्दीन खिलजी आ रहा है भाई डेली सल्तनत के सबसे वन ऑफ़ द मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर है अलाउद्दीन खिलजी तो थोड़ा तो इज्जत दोगे बस जीरो को नौ कर दोगे बस नब्बे साल बढ़ा दोगे तो अलाउद्दीन खिलजी का टैनवर आ जाएगा और कब से कब तक रूल करता है तेरह तक ये रूल करता है और अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो 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 क्या हमने याद करना है कि पूछा क्या यहाँ पर हाँ तो कहाँ से इसने वो करी थी तो इसने मतलब कहाँ से लूट मचाई थी तो लूट इसने कई जगह से मचाई थी एंड वन ऑफ़ दी मोस्ट जो प्रोमिनेंट था दैट वाज जो देवगिरी था ठीक है वहाँ से ऑप्शन नंबर सी लाइक ना एक सेकेंड का वैसे होना तो चीज़ में आगरा चाहिए बिकॉज आगरा में इसको दे रखा था आ, मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने पहले इसको आगरा में दे रखा था कि भाई तुम आगरा में रहो ठीक है तो आगरा यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए तो ऐसा करो यहाँ पर आगरा कर लो ठीक है आगरा विल बी मोर करेक्ट और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर कर लो ठीक है बिकॉज देवगिरी तो बाद में जब मलिक काफूर आया था तब कैप्चर किया था ना और कुछ मैं सोच रहा था इसमें एक जो अपने स्टोरी जो आपने पढ़ी है ना अलाउद्दीन खिलजी वाली वही कौन सी आ, पद्मावत ठीक है तो पद्मावत किसने लिखी है ये आपको बताना है पद्मावत ये किसने लिखी है और आपको बताना है कि किसने पृथ्वीराज रासो लिखी है पृथ्वीराज रासो किससे संबंधित है ये पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है और पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखी थी चंद बरदाई ने लिखी थी ठीक है चंद बरदाई इसमें यह बताया गया है कि जो पृथ्वीराज थर्ड पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी हैं राजा जयचंद राजा जयचंद उन्होंने इनवाइट किया था जो कि सच बात भी है बट बाकी की चीज़ें फिक्शनल हैं राजा जयचंद को फिर हराया था गौरी ने किस बैटल में जरा ये बता दीजिए और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी किसने मलिक मोहम्मद जैसी ने ये लिखी और अगर बात करें जयचंद ने गौरी को चंदावर का जो युद्ध हुआ था ना बैटल ऑफ चंदावर उसमें हराया और कब हुआ याद करो 1191, 1192, 1194 ठीक है इनको लेके मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी बनाऊंगा राजा जयचंद से संबंधित तो ना सिर्फ राजा जयचंद से रिलेटेड बल्कि वो जो हमारा था कौन लोदी का चाचा दौलत खान लोदी ठीक है और जो हमारे राणा संगा है ठीक है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन और कुछ तो नहीं पूछा था मैंने यहाँ पे और कुछ तो नहीं था चलो हु अमंग फॉलोइंग रूलर्स अपॉइंटेड लादा एंड पीरा टू टू गार्डनर्स हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में से किस शासक ने लादा और पीरा नामक दो माली को उच्च शासनिक पद पे जो है नियुक्त किया था खेजरे खान मोहम्मद तुगलक बहलोल उदिया फिर अलतुतमिश बिल्कुल सही है झांसी ओके सौरभ मिश्रा नीतीश चलो आगे बढ़ते हैं और हो फॉलोइंग लाधा एंड पीरा तो ये ध्यान रखना आई थिंक ये मैंने जब करवाया था दिल्ली सल्तनत तो उसमें नहीं था तो इसको नोट्स में ऐड कर लेंगे ठीक है लादा एंड पीरा की अगर हम बात करें तो ये दोनों गार्डनर्स थे किसके उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ना सिर्फ इसने दो गार्डनर्स लादा पीरा को हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट किया था बल्कि एक वाइन डिस्टिलर भी अगर बोल दे वाइन डिस्टिलर <coughs> वाइन डिस्टिलर था एक एक बारबर था ठीक है एक कुक था जिनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे इसने नियुक्त किया था ठीक है और तुगलक से चीज़ें देख लें तुगलक से जो हमने सारी चीज़ें देखी थी उनको रिवाइज कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पहली बात तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर नहीं था ये फ़ाउंडर गियासुद्दीन तुगलक था गियासुद्दीन तुगलक था ये चीज़ ध्यान रखनी है ये फ़ाउंडर था मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो इसका नाम था प्रिंस जौना प्रिंस जौना इसका नाम था इसको हम जानते इसको जानते हैं वाइजेस्ट फूल के नाम से वाइजेस्ट फूल क्यों बोलते हैं क्योंकि इसने कुछ हरकतें करी थी पांच हरकतें उन पांच हरकतों में से पहली हरकत ये थी कि इसने कैपिटल शिफ्ट करी थी कहाँ दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी दौलताबाद या फिर देवगिरी यहाँ पे इसने कैपिटल शिफ्ट करी दूसरी हरकत इसने क्या करी दूसरी हरकत इसने खुरासान एक्सपिडिशन हमने देखा था किस तरह से जब खुरासान एक्सपेडिशन इसने करने का सोचा और कराचील एक्सपेडिशन करने का सोचा देन इसने काफी आर्मी बढ़ाई अपनी और आर्मी को फंड नहीं कर पाया एक साल बाद डिस्पैंडन कर दी और वो भी एक फेल्ड प्रोजेक्ट इसका निकल के आया कराची एक्सपेडिशन एंड चौथा क्या था टोकन करेंसी ठीक है टोकन करेंसी इसने इंट्रोड्यूस करी जो कि लोग घरों में ही मिंट करने लगे ठीक है और ये भी नहीं सफल हो पाया और दूसरा था कि इसने हाई टैक्सेशन लगाया द्वाब रीजन में ठीक है हाई टैक्स इन जो गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र है यानी कि दो नदियों के बीच का जो रीजन होता तो है उसको द्वाब बोलते हैं वहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया तो इसलिए इसको वाइजेस्ड फूल के नाम से जानते हैं प्लस इसने जो है दीवाने कोह नामक एक अलग से डिपार्टमेंट स्टार्ट किया किसके लिए दीवाने को ये एग्रीकल्चर के लिए डिपार्टमेंट स्टार्ट किया इसने ठीक है एग्रीकल्चर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वो इसके टाइम पे इबना बतूता आया था मोरक्कन ट्रैवलर जिसने की रिहला नामक बुक लिखी थी वो अमंग दी फॉलोइंग मोरक्कन ट्रैवलर देखो आ गया बिकेम केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तो सही आंसर क्या होगा अब्दुल रजाक तो सर ये पर्शिया से आया था ईरान जो पहले हुआ मतलब अभी के टाइम पे है ठीक है आंसर होगा इबना बतूता जिसने कौन सी बुक लिखी रिहला लिखी है ठीक है अगला क्वेश्चन है थर्टी थ्री छोटा सा ब्रेक लेंगे 50 क्वेश्चंस पे ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड सिटी ऑफ तुगलकाबाद तुगलकाबाद सिटी किसने बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी घियासुद्दीन तुगलक फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक तो आंसर होगा यहाँ पे घियासुद्दीन तुगलक ठीक है तुगलकाबाद है तो खिलजी तो हो ही नहीं सकता ना और फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने भी कई सारी सिटीज़ बनाई जैसे कि जौनपुर जो आप देखते हैं ना आज जौनपुर आप में से कुछ लोग होंगे भी जौनपुर से वो इसी ने बनवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना उसके नाम पे बनवाई थी फिरोज तुगलक और ये दोनों कज़िन थे ठीक है कज़िन ब्रदर्स थे वैसे कर... कज़िन ब्रदर तो नहीं होता है बिकॉज है ना सुपरफ्लस हो जाता है कज़िन ब्रदर कज़िन तो जौनपुर ठीक है और फिरोजाबाद ये सारी जो सिटीज़ हैं इसी ने बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने बट अगर हम बात करें तुगलकाबाद तो वो ग्यासिदिन तुगलक ने बनाई थी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है क्योंकि इस डायनेस्टी का फाउंडर था ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड तैमूर और टैमूर लेन इनवेड इंडिया तैमूर ने कब अटैक किया था इंडिया पे बताइए तो स्लेव डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी या फिर खिलजी डायनेस्टी बहुत आंसर बहुत आसान है आंसर या, मतलब इसका देना और गेस करना बिकॉज़ सख्त सा लौंडा से आप रिलेट करो सख्त सा लौंडा ठीक है सख्त सा लौंडा तो भाई स्लेव खिलजी तुगलक फिर सैयद मैंने बताया सैयद को छोड़ के सब टर्किश तर थे सैयद कौन थे सैयद एक्चुअल में तैमूर ता, के एक तरह से कमांडर में थे उन्होंने आ, कमांडर जनरल थे उन्होंने इस डेनेस्टी को फाउंड किया था जो कि एक्चुअल में कहाँ से थे मंगोल से थे ठीक है तो <coughs> सैयद मंगोल से थे और तैमूर के एक तरह से कमांडर जो था एक खिजर खान उसने इस डेनिस्टी को फाउंड किया था तो आप आराम से इसको गेस कर सकते हैं कि तुगलक के टाइम पे तो इन्वेट किया होगा तैमूर ने 1398 और फिर टाइम पीरियड से भी तो आप गेस कर सकते हैं 1398 स्लेव डेनेस्टी तो हो नहीं सकती है 3098, बारह सौ सतासी के टाइम पे बारह सौ सतासी के टाइम पे ही खत्म हो गई थी ये तो ठीक है तु, तु, तुगलक तगलक सैयद डेनेस्टी तो एक्चुअल में सैयद डेस्टी फाउंड हुई थी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा तुगलक डेनिस्टी ठीक है अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द रूलर्स ऑफ द तुगलक डेनेस्टी हु रूल्ड ओवर डेली तेरह सौ बीस से लेकर चौदह से चौदह बहुत आसान है गियासि मोहम्मद दिन और फिरोज शाह तुगलक ठीक है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर गियासिदून मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा बाकी के तुगलक रूलर्स इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है उतना ज़्यादा कोई खास थे नहीं फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जल्दी से बताएंगे जो एफ था हमारा इसके रिगार्डिंग पहली बात तो इसने कुतुब मीनार का एक जो ऊपर का माला है ये बनवाया था बिकॉज जो लाइटनिंग की वजह से बिजली कड़कने की वजह से गिर गया था ठीक है तो कुतुब मीनार का जो है इसने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो ऊपर वाइट वाला पोस्टन है इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था फिरोज शाह तुगलक के रिगार्डिंग हमने ये देखा था कि इसने दीवाने खैरात एक डिपार्टमेंट दीवाने को ही तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सेटअप किया था बट दीवाने खैरात इसने सेटअप किया था और दीवाने बंदगान बीज ने सेटअप किया था जी किस चीज़ के से रिलेटेड डिपार्टमेंट से तो दीवाने खैरात की अगर बात करें तो खैरात यानी कि जो एक तरह से खैरात मिलती थी डोनेशंस दिए जाते थे डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन या फिर चैरिटी दी जाती थी जो खासकर जो बच्चियाँ होती थी मतलब गर्ल्स होती थी उनकी मैरिज के लिए बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स एफ जो है कट्टर इस्लामिक था और इसने काफ़ी सारे मंदिर तोड़वाए जो कि एस कोई एग्जाम में इस तरह से डायरेक्टली नहीं पूछेगा और हाँ इसने ये ध्यान रखना कि इसने जो है मतलब ये तो सबरे काम करवा ही लेकिन हाँ एग्रीकल्चर के लिए भी इसने ठीक ठाक काम किया और इसीलिए इसको थोड़ा सा कभी कभी अकबर से कंपेयर कर कर देते हैं कि थोड़ा बहुत अकबर से कंपेयर कर देते हैं इसी वजह से बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दीवाने दीवान दीवाने दीवान बंदगा याद रखना और जौनपुर और फिरोजाबाद सिटी याद रखना जो स्टाबलिश करी थी और कुतुब मीनार का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट था बस हु फाउंडेड सैयद डेनेस्टी तो सेकेंड लास्ट डेनेस्टी है दली सल्तनत की ठीक है उसको किसने बनाया था निजाम शाह मोहम्मद बिन फरीद खिजर खान या फिर <coughs> बहलोल खान तो आंसर होगा खजर खान ने बनाई थी ऑप्शन नंबर सी पे सही आंसर होगा ठीक है सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी बहुत ही कम टाइम तक रूल रहा हु अमंग फॉलोइंग ऑफ ऑफ हैड एक्सेप्टेड सल्तानिटी रूलर मिर्जा शाह शाहरुख मिर्जा शाहरुख तो किसने मिर्जा शाहरुख की एक्सेप्ट करी फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक खिजर खान सैयद या फिर सिकंदर लोधी अगर हम बात करें तो तैमूर से कौन बिलोंग करता था मतलब सैयद बिलोंग करते थे सिंपल यार खिजर खान सैयद क्योंकि ये खज्र खान जो था ये सैयद जो तैमूर ने निवेजन किया था उसका एक जैसे स्लेव था अब वो यहाँ पे रूल करने लगा लेकिन उसकी सजनैनिटी एक्सेप्ट कर रहा था कि भाई वो उनके नाम पर रूल कर रहे हैं और उस समय कौन था तिमूर रूलर मिर्जा शाहरुख थे बस खत्म इसके बाद जो है रूलर्स आए उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करी इनकी जो सजनिटी है ख़त्म भी हो गया बाद में थर्टी एट विच आर द फॉलोइंग वॉज कंटम्प्रेरी ऑफ सैद दिनस ठीक है कंटेम्प्रेरी कौन सी है इसमें राइटिंग तारीख़ मुबारकशाही तारीख़ मुबारक शाही तारीख़ मुबारकशाह मुबारक दो बार हो गया हुए उस सला मसालिक ओक अकबर वही मैंने इसमें ऑप्शन चेंज किए थे ठीक है और ऑप्शन थोड़ा ठीक ठाक रखे थे ताकि मैं आपको और भी कुछ बता सकूँ जो कि मैं बताऊँगा लेकिन ऑप्शन मैंने उसी हिसाब से रखे ताकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो इसी वजह से थोड़ा टाइम भी लग जाता है कभी कभी डिले हो जाता है ठीक है तो खैर कोई नहीं आंसर तो तारीख़ मुबारक शाही होगा लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ अभी ठीक है आप ये बताना कि तारीख जा, तारीख जहानदारी किसने लिखी है ये आपको जल्द बताना तारीख जहानदारी किसने लिखी है ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा ये ठीक है और एक अगर पूछ ले सैयद डेनेस्टी ने कब रूल स्टार्ट किया तो ध्यान रखना 1414 में रूल स्टार्ट किया था ठीक है खिजर खान ने सैयद डेनेस्टी ने इसके बाद आते हैं हमारे ये नहीं नहीं। एक बार मैं कमेंट चेक कर लेता हूँ और अगर ये पूछ लें मुबारक शाही किसने लिखी तो ध्यान रखना यह एक सिर हिंद थे अहमद <coughs> सिर हिंद ठीक है इन्होंने लिखी थी अहमद सिर हिंद ठीक है इन्होंने लिखी थी और ये अगर बात करें तो ये ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी थी ज़ियाउद्दीन बरानी ठीक है आगे बढ़ते हैं हिंदी में सही लिखा है अच्छा हिंदी में सही लिखा है तो लिखा तो सही है चलो बाकी वो मैंने ऑप्शन नहीं चेंज मैंने यही रखा था और एक और एक था मुझे याद नहीं अभी क्या रखा था मैंने खैर तो लोधी, इब्राहिम लोधी फिर लोधी तो लोधी डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसका फाउंडर था बेलोल लोधी इसके अगला रूलर था सिकंदर लोधी ठीक है आंसर इसका होगा इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी को 1526 में आपको पता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उसमें किसने हराया था उसमें हराया था इसको बाबर ने ठीक है डिफीटेड बाई बाबर डिफीटेड बाई बाबर ने इसको हराया था और बाबर ने सबसे पहले यहाँ पे गन पाउडर का यूज किया था इस पर्टिकुलर बैटल में ठीक है बाबर के बारे में भी देखेंगे बट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है लास्ट सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी तो इब्राहिम लोधी होगा बहलोल ऑफ सुल्तान सिकंदर शाह इन फोटी तो नाइन बेटा कौन था आ, मतलब बहलोल लोधी का तो निजाम खान खिजर खान बहलोल खान या फिर शेर शाह तो वैसे तो सिकंदर लोदी था ठीक है तो आंसर यहाँ पे निजाम खान भी नहीं होगा खिजर खान तो सैयद डायनेस्टी का रूला था बहलोल खान भी नहीं होगा बहलोल खान तो ये खुद ही था शेर शाह तो बाद में आता है तो आंसर यहां पे नन ऑफ दी अबव होगा ठीक है सिकंदर लोदी कर लो एक में से किसी को ठीक है तो इसको कर लो सिकंदर लोदी लेकिन यहां पे ओके okay, ठीक 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 टाइटल पूछ रहा है ना तो टाइटल निजाम खान था इसका ठीक है तो यहाँ पे सिकंदर लोदी का टाइटल यहां पे क्योंकि पूछ रहा है एक्चुअल नाम नहीं पूछ रहा है मतलब टाइटल तो यही था निजाम खान ऑप्शन नंबर ए यहां आंसर होगा बिकॉज ये निजाम खान के तौर पे इसका जन्म हुआ था देन बाद में सिकंदर लोदी इसको टाइटल मिला ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा निज़ाम खान अगले क्वेश्चन पे आते हैं एंड बिफोर दैट एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि सिकंदर लोदी के बारे में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था जल्दी से बताइए थोड़ा सा सिकंदर लोदी के बारे में आप क्या क्या चीज़ याद कर सकते हैं एक तो मैंने आपको बताया था इसने कुछ पोएम्स कंपोज करी थी अंडर वॉट पेन नेम और इसने एक पर्टिकुलर तरह का आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम भी बताइया तो विच डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन ने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया था तो ये अनेक खैरत है हमने देखा था चैरिटी बंदगान स्लेव्स को है ठीक है <laughs> तो अगला है हमारा लोग से अगर बात करें गुलरुखी गुलरुखी और आर्किटेक्चर अगर बात करें तो डबल डोम अगर आपको याद आ रहा हो डबल डोम प्लस जो है सिकंदर लोदी ने मौत की मस्जिद बनवाने के निर्देश दिए थे मौत की मस्जिद ये मोती मस्जिद मत समझना मोती मस्जिद मुगल्स के टाइम पे आएगी ये मौत की मस्जिद है ठीक है मौत की मस्जिद अगला क्वेश्चन है विच ओ फाउंडेड टाउन वेयर नाउ स्टैंड आगरा तो, आग तो इसमें से किसने जो है किसने आगरा के एक तरह से बनाया तो मोहम्मद बिन तुगलक फिर उशा तुगलक आ, बहलोल लोधी फिर सिकंदर लोदी निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने उस शहर की स्थापना की जहां अब आगरा स्थित है तो क्या होगा कौन किसने मतलब सेटअप किया था तो ये होंगे हमारे सिकंदर लोदी ऑप्शन नंबर डी ठीक है सिकंदर लोधी और इन्हें करना इन पे सिकंदरा करके जगह सिकंदरा और सिकंदरा में ही अकबर का मौसोलियम भी है ठीक है अकबर की कब्र एक तरह से बोल सकते हैं सिकंदरा में ही है हु मंग फॉलोइंग कम्पोज पोय विद दी पेन नेम गुल रुखी तो गुल रुखी अभी मैंने आपसे हम लोगों ने देखा है कौन सिकंदर लोदी ठीक है चलो हु आज दी फर्स्ट रियल किंग ऑफ दी सल्तनत तो सल्तनत का पहला वास्तविक राजा कौन था कुतबुबुद्दीन एबक था इल्तुतमिश था अलाउद्दीन खिलजी था फिर बलबन था तो वैसे तो कुतुबुद्दीन एबक था बट वास्तविक की बात हो रही है तो आंसर अल्तुतमिश होगा रीज़न क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ चार साल तक रूल किया और फिर इसकी डेथ हो गई बारह में कैसे डेथ हुई जरा आप कॉमेंट में बताएंगे उसमें ऐसा अच्छा कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया नहीं मेन तो अल्तुत था अब अल्तुत ने क्या क्या किया वो हम पढ़ते हैं ठीक है जो किसका स्लेव था और सन इन लॉ भी था सबसे पहले तो इसने कैपिटल शिफ्ट करी कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट करी लाहौर से इसने कैपिटल को शिफ्ट करके लाया दिल्ली में ठीक है दिल्ली में जब इसने कैपिटल शिफ्ट करी तब इसने अब क्या क्या किया तो इसने जो है पहले तो कुतुब मीनार का वो जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया वो यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूँ इसने जो है इकतादारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया वाट इज़ दिस इकतादारी सिस्टम इक्ता का मतलब होता है पार्ट ऑफ लैंड ठीक है तो वो पार्ट ऑफ लैंड आपको मतलब उससे रेवेन्यू मतलब जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल चहलगानी जब इसने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो उनको ऐसे ही पे किया जाता था पेमेंट का एक सिस्टम था इकतादारी तो चहलगानी क्या था फिर तुर्कने चहलगानी के नाम से भी जानते हैं ग्रुप ऑफ़ फोर्टी स्लेव्स अब ऐसा नहीं कि इसमें चालीस ही थे कभी कभी हमें देखने को मिला पच्चीस थे बीस थे बट हाँ नाम इसका चहलगानी था प्लस इसने सिल्वर कॉइन एक इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम क्या था बताएंगे और इसने कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम क्या था तो सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल ठीक है जीतल नाम था इसका इकतादारी मैंने बता दिया क्या होता है और अल्तुत्मिश iltutmish... और क्या अल्तुतमिश अल्तुतमिश जी और कुछ कुछ और कुछ बताना चाहेंगे अल्तुतमिश और कुछ नहीं ठीक है सिल्वर टंका कॉपर जीतल चहल चहल गानी और इकता सिस्टम आंसर इसका अल्तुत्मिश हो जाएगा इनकी बेटी थी रजिया सुल्तान ठीक है आगे बढ़ें और कुछ नहीं हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड एज बाय द एलियट एज द अकबर ऑफ द सल्तनत तो किसको अकबर ऑफ दी सल्तनत के नाम से जानते हैं क्या हो गया uh, लैविश भगवान जीतल सही है बलबन डिस्ट्रॉय कर दिया तभी देखेंगे चलो तो डिस्क्राइब एट अकबर तो अभी मैंने बताया फिरोज शाह तुगलक को है ना अकबर सुल्तनत बोलते हैं हु क्या यार ठीक है अगला क्वेश्चन है फोर्टी सेवन विच सुल्तान ऑफ डेली टू कप दि जिले इलाही का टाइटल किसने लिया था तो अब आते हैं हमारे कौन जिले इलाही का मतलब क्या होता है तो इलाही का मतलब अल्लाह होता है ठीक है ज़िले का मतलब होता है शेडो तो यानी कि हम शेडो ऑफ अल्लाह हैं तो हमें पता है ये काम बलबन ने किया था गियासुद्दिन बलबन अभी गियासुद्दीन बलबन ने क्यों किया था क्योंकि ये अपनी अथॉरिटी को इस्टबलिश करना चाहता था और अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इसने ना सिर्फ ये किया बल्कि और भी बहुत सारे काम किए इसने जैसे कि अगर हम बात करें तो इसने खुद को नायब खुदा ही बोला कि हम डिप्टी हैं गॉड के ठीक है आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया इसने आफरा सियाब जो मतलब एक रॉयल फैमिली थी ठीक है आफरा सियाब उससे उसका डिसेंडेंट बताया ठीक है आफरा सियाब का और इसने क्या स्टार्ट किया इसने सिजदा और पैबो से स्टार्ट किया सिजदा और पैबोस वाला सिस्टम स्टार्ट किया सिजदा का मतलब है सिजदा करो मतलब कि हमारे सामने किंग के सामने तुम्हें झुकना होगा तुम देखते ही पैबोस का मतलब है किंग की जो फीट है उनको किस करना होगा कि चरणों को चूमना होगा देखते ही ठीक है और इसने खुद को नैब खुदाई बोला डिप्टी ऑफ गॉड और आफरा सियाब का डिसेंडेंट बताया और साथ ही साथ इसने जो तुर्कने चहलगानी वाला सिस्टम है इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया फिर इसको भी ख़त्म कर दिया बिकॉज ये नहीं चाहता था कि चहलगानी फिर से इंटरनल रिवोल्ट करें बस हमें इसके रिगार्डिंग इतना ही देखना तो उसने रूल कब किया बलबन ने बारह सो सिक्सटी सिक्स से लेके ट्वेल्व एटी सेवन तक रूल रहा बस हमें ये देखना है ये भी स्लेव था ये था एक तरह से अलतुत्मिश का <coughs> <coughs> क्लियर हु। हो इंट्रोड्यूस दी फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज़ तो प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नरोज़ की शुरुआत किसने करी खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी ग्यासुद्दीन बलबन है फिर कुतुबुद्दीन एबको तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा सही आंसर होगा ग्यासुद्दीन बलबन ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा नौ जो कि पर्शियन फेस्टिवल होता है उसको इंट्रोड्यूस किया इसने यासुद्दीन बलबन ने फोर्टी नाइन विच अम फॉलोइंग वॉज नॉट ट्रू अबाउट बलबन तो इनमें से बलबन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है ही प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ़ नियाबत खुदाई ही इंट्रोड्यूसड एकदादारी सिस्टम ही एलिटेड द पावर ऑफ तुर्कान चहलगानी ही डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल देखिए नियाबत खुदाई तभी तो मैंने बताया दैट मीस डिप्टी ऑफ गॉड या फिर नयाब खुदाई का इसने टाइटल थ्योरी दी ठीक है कि जो सुल्तान होता है वो गॉड डिप्टी गॉड का डिप्टी होता है फिर आगे हम देखते हैं आगे भी ये रूलर्स लेते हैं टाइटल्स ठीक है तुर्कान चहलगानी

इल्तुतमिश को कहा जाता था बिकॉज एक कुतुबुद्दीन एबक जो मोहम्मद गौरी का स्लेव था उसका भी ये स्लेव था इल्तुतमिश ठीक चलिए हम ब्रेक ले लेंगे या फिर दस क्वेश्चन और कर लेते हैं देन ब्रेक लेते हैं बिकॉज शुरुआत में हमारी एनर्जी ज्यादा होती है तो थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं सिक्सटी है ना सिक्सटी फोर्टी में डिवाइड करते हैं चलिए करिए जल्दी से क्वेश्चन विजयनगर तो इसको खत्म कर लेते हैं साउथ इंडिया वाला ठीक है साउथ इंडिया का खत्म करके देन जब मुगल वाला स्टार्ट करेंगे तब ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक चलो लेकिन डीप ब्रीथ तो कर ही सकते हैं हो होली फॉलोइ द सुल्तान एट डेली वन विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड तो फिरोज तुगलक सिकंदर लोधी ग्यासुद्दीन तुगलक फिर मोहम्मद बिन तुगलक और आप ये भी बताएंगे कि जो विजयनगर डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे और वो किसके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इस डेनेस्टी जो है बनी ठीक है एक सेकेंड एक अगला क्वेश्चन कहिए ये। एरियाज ऑफ विच द फॉलोइंग करंट स्टेट्स डिड नॉट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ विजयनगर एम्पायर कृष्णदेव राय और अगर तुम लोगों ने अभी विजयनगर के क्वेश्चन गलत किए पर ध्यान रखना <laughs> क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर रील भी डाली थी रिविजन के पर्पज से है ना तो उम्मीद करते हैं वैसा तो नहीं सारे चीज़ें मतलब उसमें थी रील्स में लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश करी थी तो कौन से थे हमारे एरिया तो ये हमारे एरिया थे ये विज दो फॉलोइंग कर ठीक है फॉलोइंग करंट स्टेट्स डिड नॉट कम अच्छा डिड नॉट कम तो महाराष्ट्र नहीं आएगा इसमें क्यों क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ देखो ठीक है रील की शुरुआत ही कहाँ से हुई थी कि क्रिश... ये जो हमारा था विजयनगर किंगडम ये कहाँ से कहाँ तक था तो कृष्णा रिवर ठीक है जो कृष्णा रिवर है उसके साउथ से लेके एक्सट्रीम साउथ ऑफ दिनिंसुला तक ये था कैपिटल क्या थी हम्पी थी और इसी टाइम पे इसके ऊपर कौन सा था बहमानी किंगडम एग्जिस्ट कर रहा था ठीक है डेक्कन में दो डायनेस्टीज थी बहमानी ये हिंदू डायनेस्टी थी विजयनगर वाली ठीक है विजयनगर का मतलब क्या होता है सिटी ऑफ विक्ट्री बहमानी यहाँ पे थे बहमानी सल्तनत अब इनके बीच में हम वॉर भी देखेंगे तो ये सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे वो नॉर्थ ऑफ कृष्णा और ये साउथ ऑफ़ कृष्णा ठीक है कृष्णा की जो तुंग भद्रा है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है इसी के बैंक्स पे लोकेटेड है हम्पी ठीक है तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है ंग भद्रा ठीक और इसके फाउंडर की अगर बात करें तो फाउंडर कौन थे फाउंडर थे इसके हरिहर और बुक्का हरिहर एंड बुक्का जो कि एम के कंटेम्प्ररीज थे ना कि फ्यूडेटरीज थे फ्यूडेटरीज किसके थे ककातिया के फ्यूडेटरीज थे ये ठीक है फ्यूडेटरीज ऑफ ककातिया तेरह सौ छत्तीस थर्टीन थर्टी सिक्स एडी में इस डेनेस्टी के इस्टेबलिशमेंट करते हैं ठीक आगे बढ़ते हैं और एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि जो विजयनगर एम्पायर है पूरा इसमें टोटल कितनी डेनेस्टीज रही संगम सबसे पहले जिसके फाउंडर जिसके रूलर हमारे कृष्णदेव राय थे बट फाउंडर वीर नरसिमत थे ना और संगम सुलव तुलुव और आर आई विडू ठीक है जो कि लास्ट डेनेस्टी थी, थी इसमें टू इस चाइना तो किसने अपने एम्बेसी को एज एम जो जो एम्पायर रहे थे चाइना के उस समय उन वहाँ पर भेजा था तो ये हमारे बुक का दी वन थे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा बुक का द फर्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द विजयनगर रूलर्स एंड बहमानी सुल्तानस अभी मैंने बताया ये जो डेक्कन डेक्कन में एग्जिस्ट कर रही थी दोनों डायनेस्टीज एक तो हिंदू डायनेस्टी साउथ ऑफ कृष्णा विजयनगर एम्पायर और नॉर्थ ऑफ कृष्णा जो हमारी थी दैट वॉज बहमानी किंगडम इनके बीच में टसल चलता रहता था हमेशा बहमानी किंगडम के बारे में भी हम देखेंगे इसके फाउंडर अलाउद्दीन बहमान शाह थे सेम टाइम पे तो इनके बीच में क्या चीज स्पेशल का रीज़न नहीं थी कृष्णा गोदावरी डेल्टा मराठवाड़ा रीजन तुंग भद्रा कंट्री या फिर वरंगल तो ऑब्वियस बात है मराठवाड़ा नहीं होगा मराठवाड़ा तो यार यहाँ पे इनके बीच में क्या होगा जो यहाँ वाली चीज़ें होंगी वो इनका डिस्प्यूट का रीज़न होंगी ना बिकॉज ये एक्चुअल में ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते थे दोनों और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए पोर्ट्स को कंट्रोल करना था तो इन दोनों के बीच में इसी बात का झगड़ा था कृष्णा गोदावरी डेल्टा था तुंग कंट्री भी था और वारंगल भी था मराठवाड़ा ये सेंट्रल इंडिया में है तो ये थोड़ी ना होगा ठीक है

मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है पहली बात तो ये दूसरी बात अगर वो यूनाइटेड हैं तो ये हमारी वीकनेस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई तुम्हारा पड़ोसी है तुमको मार के चला गया तो तुम्हारी हार का कारण ये नहीं कि तुम्हारा पड़ोसी जो है स्ट्रांग है तुम्हारी हार का कारण ये कि तुम वीक हो है कि नहीं और फिर दूसरा ये लोग ऐसा नहीं कि वो बहुत यूनाइटेड थे ना आपस में ये लोग लड़ रहे थे लेकिन हिंदू इनको हराने के लिए ये आपस में एक हो गए और मैंने आपको बताया था क्यों अली रामा राय जो सदा शिव राय है जो रूलर सदा सदाशिवराय उनके अंडर में थे अली रामा राय जो कि प्राइम मिनिस्टर थे कोर्ट में विजयनगर में ये इनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे और जब इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे तो इन तीनों ने अटैक किया कलेक्टिवली और तीनों ने कलेक्टिवली कब अटैक किया पंद्रह में जब क्या हुआ बैटल ऑफ तालीकोटा जिसको कि हम और किस नाम से जानते हैं जरा आप कमेंट में बताएंगे और इस में हमें पता है कि बैटल ऑफ ताली कोटा में क्या होता है बैटल ऑफ ताली कोटा में अली रामा रॉय जो कि सदा सिव राय के प्राइम मिनिस्टर थे वो पूरी तरह से रूल कर रहे थे वो हार जाते हैं और जब हार जाते हैं तो क्या होता है बीजापुर कौन हराता है बीजापुर अहमदनगर और गोलकोंडा बैग ठीक है ये कौन है ये जो बहमानी सल्तनत है बहमानी सल्तनत है, हमने देखा था पाँच डिफरेंट डाइनेस्टीज़ या फिर किंगडम्स में छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया था टूट गया था तो उनमें से एक था बीजापुर एक था अहमदनगर और गोलकोंडा ठीक है तो तीनों ने कलेक्टिवली हराया था बैटल ऑफ तालीकोटा जिसको हम बैटल ऑफ राक्षसी राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं ठीक है बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी ठीक है क्यों क्योंकि राक्षसी और तांगड़ी गांव के नाम है जो तालीकोटा में एग्जिस्ट करते थे हु एम दी फॉलोइंग बहमानी रूलर्स बिल्ट दी फेमस गोल गुम्बज एट बीजापुर तो अब क्योंकि इतनी बात छिड़ ही गई है तो क्यों ना आपको ये भी बता दिया जाए कि जो बहमानी सल्तनत है उनकी टोटल कौन से पाँच पाँच थे ठीक है पाँच तो जो डायनेस्टीज बटी तो यहाँ तो बरार था यहाँ अहमदनगर था यहाँ बीजापुर था यहाँ गोलकोंडा था ठीक है ना बीजापुर वॉज बिटवीन दी अहमदनगर एंड गोलकोंडा और यहाँ पर बिदर था ठीक है तो इस तरह से थे अब हमें ये देखना कि यहाँ पे डिफरेंट डानेसिटीज़ ने रूल किया जब यह बहमानीपुरा सल्तनत टूटा ना बहमानी वाला तो और क्योंकि विजयनगर को तो डिफीट कर ही दिया था तो थोड़ा ये एक्सपैंड कर गया और ये टूट गया बीजापुर में अलग डेनेसिटी रूल कर रही थी अहमदनगर में अलग डेनेसिटी रूल कर रही थी कौन कौन सी थी वो थोड़ा देख लेते हैं ठीक है और बेरार में अलग डेनेस्टी थी गोलकोंडा में अलग डेनेसटी थी और बिदर में अलग डाइनेसिटी थी बिदर में तो बीजापुर में अगर बात करें आदिल शाही शाही डेनेस्टी का रूल था आदिल शाही अहमदनगर में अगर बात करें निज़ाम शाही डेनेस्टी का रूल था निजाम शाही और बिरार में अगर बात करें तो इमाद शाही का रूल था ठीक है इमाद शाही डेनेस्टी का रूल था गोलकोंडा में अगर बात करें तो कुतुब शाही डेनेस्टी का रूल था एंड यहां पे बिदर में अगर बात करें तो बरीद शाही डेनेस्टी का रूल था तो यहां पे अगर हम सही आंसर की बात करें हुमानी सुल्तुलस बिल दी गोल गुम्बज एट बीजापुर तो बीजापुर में जो है बनवाया गोल गुंबद अगर हम बात करें मोहम्मद आदिल शाह ने तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही आंसर होगा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये यह है यहां पे कि किसने चार मीनार बनवाया था हु बिल्ट दी चार मीनार एट हैदराबाद और अगला क्वेश्चन करिए और यहां पर ना तो ब्रेक भी ले लीजिए ठीक है बिकॉज समेट द तो क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था आपसे कि चार मीनार जो है किसने बिल्ड करी थी हम्म तो चार मीनार जो है कुली कुतुब शाह ने बिल्ड करी थी ठीक है कुली जो से बिलोंग करते थे जो कहां पर रूल करी कर रही थी गोलकोंडा में और गोलकोंडा फोर्ट भी है बट गोलकोंडा फोर्ट ध्यान रखना कि जो गोलकोंडा फोर्ट है इन्होंने नहीं, नहीं बनवाया था ठीक है बनवाया का ने था बस इन्होंने इनके अंडर में आ गया था गोलकोंडा फोर्ट किसने बनवाया था ककातिया का डेनेस्टी ने बनवाया था जो हैदराबाद में ही है चार मीनार भी हैदराबाद में ही है ठीक है विश्व बहमानी इंडक्टेड हिंदूज इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑन अ लार्ज स्केल तो हिंदूज को किसने इंट्रोड्यूस किया था तो हिंदू को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था ये होगा आपका महमूद गवन ठीक है ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा अलाउद्दीन बहमान शाह जो है ये फाउंडर था एक सेकंड रुको और से। इंडक्टेड हिंदूज इन एडमिनिस्ट्रेशन लार्ज स्केल तो ये तो फाउंडर था ठीक है और एक्चुअल में जो बहमानी आप नाम सुन रहे हैं ना बहमानी वो एक्चुअल ब्राह्मण शब्द से आया है बिकॉज ये एक ब्राह्मण का एक शिष्य था ठीक है गवान शाह नहीं हो गए इसमें महमूद गवान महमूद गवान प्राइम मिनिस्टर थे इनका वज़ीर था ठीक है इस किंगडम में और काफ़ी बड़ा एक तरह से हम बोल सकते प्रमुख बट यहाँ पे आंसर फिरोज शाह बहमानी होगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा फिरोज शाह अगर बहमानी की बात करें तो इसका सक्सेस और फिरोज शाह बहमानी की अगर बात करें तो इसने हराया था एक रूलर थे आ, क्या नाम था उनका देवराया वन ठीक है जो हमारा विजयनगर एम्पायर है उसके एक रूलर थे देवराया फर्स्ट इनको हराया था और इनकी बेटी से शादी करी थी ठीक है इनको इनके सक्सेसर थे अहमद शाह ठीक है अहमद शाह अहमद शाह वाली नाम था और इनके रिगार्डिंग हमें यह ध्यान रखना कि इन्होंने गुलबर्ग से बिदर कैपिटल शिफ्ट करी थी गुलबर्ग टू बिदर इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन ये है व्हाट वाज दी प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड इन दी बहमानी किंगडम के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा जाता था तो प्रधानमंत्री को ब्रेक बहुत ही नन्ना सा ब्रेक सर हो गया अच्छा बताते हैं अभी द प्राइम मिनिस्टर द दाइमर किंगडम तो अभी हमने देखा वजीर के नाम से जाना जाता था और ये प्राइम मिनिस्टर सबसे प्रोमिन प्राइम मिनिस्टर कौन निकल गया ये। कौन ये महमूद गवन ठीक है महमूद गवन ध्यान रखना ये प्राइम मिनिस्टर था इनके कोर्ट में अगला क्वेश्चन है विच बहमानी ग्रांटेड द टाइटल ऑफ ऑफ चीफ मर्चेंट्स और मलिकुतर महमूद गवन किसने ये टाइटल दिया था मालिको uh, तजर या फिर चीफ ऑफ हुमायूं शाह अलाउद्दीन हसन बहमानी शाह मोहम्मद शाह फरोज फिर शाह आंसर होगा हुमायूं शाह करके था एक उसके अंडर में प्राइम था एक उसके में और उसी ने इसको ये टाइटल दिया था क्वेश्चन नंबर कलेक्शन ऑफ लेटर्स रियाज उल इन निम्नलिखित में से किसका पत्र संग्रह रियाज उल है अलाउद्दीन बहमान शाह uh, मोहम्मद शाह थर्ड ताज़ुद्दीन फिरोज़ या फिर महमूद गवन तो इसका भी आंसर महमूद गवन ही होगा महमूद गवन के कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैं रियाजुल इंशा जिनको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू अब गीत गोविंद आने से पहले मुझे काफ़ी बुरा लगा बुरा मुझे इस बात का लगा कि मतलब अगेन यहाँ पे कृष्णदेव राय के ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिले खैर कृष्णदेव राय को हम छोड़ेंगे नहीं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है KDR के डी आर के रिगार्डिंग हमें जल्दी से याद करना है कि सबसे पहले तुलुव डायनेस्टी से थे आपको ये बताना है कि इनके जो स्टेट क्राफ्ट थे दो ठीक है उनके नाम बताने हैं जिनके स्टेट क्राफ्ट से टेम्पल्स जिन्होंने बिल्ड करवाए थे उनके नाम बताने हैं इनके टाइटल्स बताने हैं आपको ठीक है इनके टाइटल्स बताने हैं आपको, है आपको तो ये तुलुव डानेस्टी से बिलोंग करते थे जिसके फाउंडर वीर नरसिमह थे ये नहीं थे ठीक है स्टेट क्राफ्ट की अगर बात करें तेलुगु था अमुक्त मालदा ठीक अमुक्त मालदा और इनके टाइम पे ट्रेवलर्स कौन कौन आए थे ये आपको बताना है, के डी के टाइम पर अमुक्त तो मालदा ये तेलुगु स्टेट क्राफ्ट था और अगर हम बात करें संस्कृत स्टे, स्टेट क्राफ्ट कौन सा था जाम्बावती कल्याणम ठीक है जाम्बावती कल्याणम टाइटल्स की अगर बात करें तो टाइटल कौन से थे इनके एक तो आंध्र भोज का टाइटल था प्लस यवन राजप्रिया और मैंने आपको मतलब भी बताया था ये यवन का मतलब क्या होता है यवन का मतलब होता है ग्रीक्स जो ग्रीक्स होते हैं उनको यवन बोला जाता तो है तो यवनों के प्रिय हैं ये ग्रीक्स के प्रिय यवन राज यवन राजप्रिय क्योंकि ये लोग जो डक्कनी सल्तनत ये ऊपर थी ना बहमानी खिन्ना वाले इनके बड़े लाइक करते थे इनको यवन राज ठीक है यवन राजप्रिया ट्रेवलर्स और हाँ आर्किटेक्चर टेम्पल तो विठल स्वामी टेम्पल विठल टेम्पल और हज़ारा स्वामी टेम्पल ठीक है हज़ारा स्वामी टेम्पल और अच्छा ये बताओ जो मैंने चोला टेम्पल तुम्हें बताए थे वो किस भगवान को डेडिकेटेड थे और ये कि, किस भगवान को डेडिकेटेड है दोनों टेम्पल ट्रैवलर की अगर बात करें तो दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस जो किस देश से आए थे जरा बताएँगे दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस ठीक है एक हमें लोटस महल भी देखने को मिलता है लोटस महल लेकिन कुछ लोग बोलते हैं के डी आर ने बनवाया था कुछ लोग बोलते हैं नहीं बनवाया था तो वो डिस्प्यूटेड है तो हमें याद नहीं रखना है ठीक है एलिफेंट्स टैबल भी देखने को मिलता है जहाँ एलिफेंट खड़े किए जाते थे और एक महानव में डिब्बा भी यहाँ पे आर्किटेक्चर है विट्ठल स्वामी टेम्पल और हजार स्वामी टेम्पल जो है विट्ठल जो है महाराष्ट्र में विष्णु भगवान को विट्ठल के नाम से पूजा जाता है तो ये विष्णु भगवान के मंदिर हैं और जो हमने चोला वाले देखे थे वो शिव भगवान के मंदिर हैं क्लियर तो बढ़ते हैं आगे ये कहाँ से एक ट्रैवलर थे पोर्तुगीज ट्रैवलर थे ये थे ठीक है एक अब्दुल रजाक भी आया था वो देवराय सेकंड के टाइम पे आया था वो पर्शियन ट्रैवलर था ठीक है निकोलो दी आया था वो देवराय फर्स्ट के टाइम पे आया था वो इटालियन ट्रैवलर था ना अब यहाँ मूवमेंट वाले क्वेश्चन गीत गोविंद द फेमस पोयम वॉज रिटन बाय प्रसिद्ध कविता किसके द्वारा लिखी गई शिव जी को सही कमालपुरम टैंक बिल्कुल ही मैं सोच भी रहा था बताने को और ये सर प्लीज सर माइक ठीक कीजिए अच्छा माइक ठीक कर लें आवाज नहीं आ रही क्या माइक ठीक कर दें अभी ब्रेक लिया था ठीक है वो माइक के लिए लिया था ब्रेकअप एक्चुअल में जो माइक मैंने किया था वो अग, अगेन और ढंग से फंक्शन ही नहीं कर रहा था उसमें ठीक है तो माइक को फिर से अभी रिटर्न करना पड़ा एंड देन फिर से अभी रीऑर्डर करना पड़ेगा ठीक है तो जो मुझे पता है वो जो बीच में थोड़ा खर्र खर हो जाता है तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है गीत गोविंद की अगर बात करें जयदेव ने लिखा था ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा कबीर वाज़ दी डिसाइपल ऑफ कबीर किसके शिष्य थे जयचंद जयदेव जयसेमय या फिर रामानंद तो कबीर थे ये रामानंद के जो है डिसाइपल थे ठीक है कबीर की अगर बात करें तो निर्गुण सेक्ट से बिलोंग करते थे अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भक्ति एंड सूफी मूवमेंट को तो भक्ति मतलब जो हिंदू धर्म से संबंधित और सूफी मतलब जो इस्लाम धर्म से संबंधित है तो अभी हम भक्ति की अगर बात करें तो भक्ति जो पूरा ये मूवमेंट रहा जो भक्ति मूवमेंट रहा इसको हम दो सेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक तो सगुन और दूसरा निर्गुण निर्गुण वो जो भगवान को फॉर्मलेस मानते हैं भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है कोई मूर्ति पूजन में बिलीव नहीं करते हैं सगुन फॉर्म गॉड में बिलीव करते हैं इनके फिर दो सेक्ट बट, बटते हैं एक को बोलते हैं अलवर एक को बोलते हैं नया नर्स ठीक है अलवर्स एंड नया नर्स अलवर किसके डिसाइपल और नया नर किसके जल्दी से बताएंगे तो अलवर हैं किसके विष्णु जी के और नया नर किसके हैं शिव जी के तो ये शैवाइट्स हो गए ये वैष्णवाइट्स हो गए ठीक है ध्यान रखना ये शिव जी शैवाइट और ये वैष्णवाइट हो गया पहली फीमेल आ, अलवर का नाम बताइए पहली फीमेल अलवर जल्दी से तो आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले बता देता हूं अंडल ठीक है उनका नाम है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हु अमंग द द फॉलोइंग इज टू बी टीचर ऑफ आमिर खुसरो के यहाँ पे टीचर किसको किया था तो आमिर खुसरो वही जलाउदीन खिलजी कोर्ट में थे जिन्होंने सिकंदर आजम का टाइटल दिया था उनको उनको और, औरंगजेब को औरंगजेब ने इनको तूते हिंद बोला था कवाली के फाउंडर एक तरह से तो किसको मानते हैं निज़ामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे ऑप्शन नंबर सी सिक्सटी फाइव सूरदास में से किसके शिष्य थे सूरदास तुलसीदास मीराबाई ये सब किसके थे वल्लभाचार्य वही वल्लभाचार्य जिन्होंने शुद्ध अद्वैत दिया था और वही वल्लभाचार्य जिन्होंने पुष्टि मार्ग दिया था अगला है द श्राइन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया सिचुएटेड औलियाटेड हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो श्राइन श्राइन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है अलीगढ़ की अजमेर या फिर बस अजमेर हो तो गया यानी कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है तो रुड़की अलीगढ़ तो होगा नहीं आंसर यहाँ पे दिल्ली होगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी निज़ामुद्दीन औलिया ओलियाँ दिल्ली में होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन हुआ आज द फाउंडर ऑफ़ द सूफी ऑर्डर इन इंडिया तो सूफी ऑर्डर के फाउंडर किसको माना जाता है तो आप सूफी पे आ जाते हैं तो मैंने पूरा सब कुछ बताया था आपको तो सूफ़ी के फाउंडर माने जाते हैं एक तरह से चिश्ती माने जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती और ये जो निज़ामुद्दीन औलिया हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है चिश्ती ऑर्डर से ही बिलोंग करते हैं किस ऑर्डर से चिश्ती ऑर्डर से बिलोंग करते हैं ठीक है और अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको ये बताना है कि जो सुहरा वर्दी ऑर्डर है चिश्ती ऑर्डर तो देख लिया ये मोइनुद्दीन चिश्ती इसके फाउंडर हैं लेकिन सुहरा वर्दी ऑर्डर के फ़ाउंडर कौन है इस ऑर्डर के और फिरदौसी ऑर्डर के फिरदौसी ऑर्डर के फाउंडर कौन है तो सुहरा वर्दी की अगर बात करें शेख बहादुर जकारिया ठीक है या फिर शेख जकारिया याद रख लो क्यों पूरा नाम याद रखना फालतू में ठीक है शेख जकारिया याद रख लो ठीक है और फिरदौसी ऑर्डर में याद कर लो समरकंदी वैसे तो पूरा नाम है शेख बद्रुलद्दीन समरकंदी लेकिन इन शॉर्ट याद करो समरकंदी ठीक है समर में हम शकरकंदी खाते हैं ऐसे करके ठीक है फिरदौसी चलो हाँ वॉट वर दी खानका इन दी मेडिवल इंडिया खानका क्या थे मेडिवल इंडिया में तो खानका हमने देखे थे खानका वो जगह होती थी जहाँ पे सूफी संत लोग रहते थे अपनी नमाज पढ़ते थे सब रिलीजियस प्रीचिंग्स करते थे तो एक सूफी श्राइन होता है चलिए हम आपसे कुछ और पूछते हैं जो म्यूज़िकल रिसाइट होता था उसको किस नाम से जाना जाता था म्यूज़िकल रिसाइट जो होते थे उनको किस नाम से और पिलग्रिमेज टू टूम्स ऑफ जो सूफ़ी संत होते थे उनका जो पिलग्रिमेज होता था यानी उनकी दरगाह में जाने का जो एक पूरा का, काफिला जो चलता था उसको क्या बोलते थे एंड सक्सेसर को किस नाम से जानते थे सक्सेसर तो म्यूज़िकल रिसाइट की अगर बात करें तो समा बांध दिया है ना पिलग्रमिज टू दी टूम्स ऑफ सूफ़ी सन्स ये होती है ज़ियारत इट इज कॉल्ड एज जियारत एंड सक्सेस की अगर बात करें तो इनको खलीफा बोलते हैं ठीक है खलीफा अगले क्वेश्चन पे आते हैं द द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आमिर खुसरो ही ही अ ऑफ निज़ामुद्दीन फाउंडर ऑफ बोथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कवाली बताइए वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू ए नीदर वन नॉट टू इसमें से क्या सही उत्तर होगा और सभी लोग भाई आंसर देते रहे ठीक है हाँ सबका सही है ब्रेक मिले तो बनाऊं भी क्या बनाना भाई सौरभ सुरभी कॉफ़ी बना रही रुको आदित्य शाह अच्छा हम्म तो सही आंसर क्या होगा क्या खलीफा हाँ अच्छा बुर्ज खलीफा चलो धन्य बुर्ज खलीफा ही बोला ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया सही है हैज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कवाली ऑप्शन नंबर सी बोथ वन एंड टू से फॉलोइंगल भक्तिकल सेंट्स डाइड इन वाराणसी तो किसकी मृत्यु हुई वाराणसी में शंकरदेव शंकराचार्य माधवचार्य या फिर वल्लभाचार्य तो मेरे जो आदि शंकराचार्य हैं उनकी डेथ हुई ऑप्शन नंबर सही शंकर देव शंकराचार्य तो साउथ इंडिया के थे ऑप्शन नंबर ए से या सको शंकरदेव की इनकी मृत्यु हुई वाराणसी में नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बाबर द फाउंडर अब यहाँ से मुगल पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो थोड़ा सा लंबी गहरी सांस ले लेंगे बस हमारे तीस क्वेश्चन ही बाकी हैं ठीक है एक बड़ा ही छोटा सा दस पंद्रह सेकेंड का ब्रेक ले लो है ना और एक चीज़ आ, अभी अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है ना कि आपका जो जो लोग बैच में हैं उनका टेस्ट जो है आपका पब्लिक हो जाएगा बारह बजे ठीक है यानी कि क्लास ख़त्म होने के बाद तो आप तुरंत जाके उस टेस्ट को लगा सकते हैं ठीक है ठीके? अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि भाग जाओगे तुरंत ठीक है अब बस थोड़ा सा सांस ले लो बस उस नाम कबरेगा तीसरी तो क्वेश्चन बाकी है बस एसआईआर का बता दो ट्रेविस बीट द हीट ट्रेविस बीट द हीट ये तो ना यूजर ने आता है लोग गुस्सा आ जाती है तुमको को देख के तुमको पता होगा क्यों है ना ट्रेविस मां में नहीं सबको आती हुई गुस्सा सी एसआईआर का क्या बता दें बताओ ऐसा क्या बता दें सी एसआईआर का हम्म स्ट्रेट बैठो ये हुई ना बात <laughs> किसने याद दिलाया हां श्रेया शर्मा ठीक है स्ट्रेट बैठ के और डीप ब्रीथ <laughs> चलो बाबर फाउंडर ऑफ ब्रेक खत्म हो गया बाबर बाबर फाउंडर ऑफ माइटी मुगल इज फ्रॉम तो जो बाबर था उसका ओरिजिनल नेम क्या था पहले तो ये बताइए और बाबर जो है कौन था फाउंडर ऑफ मुगल डाइनेस्टी तो हम लोगों ने देखा ऐसे के लिए ठीक है लाते हैं है ना वीडियो चलो तो बाबर की अगर हम बात करें तो, तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था ठीक है थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने देखा था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526, 1526 को इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया गन पाउडर का यूज़ हुआ और हमने पूरा वो टेक्निक भी देखा था कैसे कैसे अटैक किया था उसने ठीक है तो उसका ओरिजिनल नेम की अगर बात करें दैट वॉज जहिरुद्दीन मोहम्मद अकबर ठीक है जहिरुद्दीन मोहम्मद अकबर और ये जो बाबर है बाबर की अगर हम बात करें तो ये जो है था तैमूर और चंगेज़ ख़ान से अपने डिसेंडेंट को ट्रेस करता है चंगेज़ ख़ान मम्मी की साइड से चंगेज़ खान फ्रॉम मैटरनल साइड एंड तैमूर फ्रॉम पैटरनल साइड ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही उत्तर होगा ठीक है अच्छा आपको ये बताना है कि जो बाबर है बाबर बाबर फरगना में कब बैठा बाबर जो है ये फरगना एक्चुअल में था कहाँ से बाबर ये उज्बेकिस्तान से था और अपने जो ओरिजिन है उसको मंगोल मंगोलिया से ट्रेस करता है तभी तो इनको मुगल बोलते हैं ठीक है बिकॉज ये लोग मंगोलॉइड थे मुगल बोलते हैं इसलिए और ये जो है फरगना में जो अफ़गानिस्तान के पास जगह पड़ती है वहाँ पे एक्चुअली भगाया गया था अपने भाइयों के द्वारा कि निकलो यहाँ से तब ये इंडिया में आया था अटैक करने तो फरगना में जो है ये 12 साल की उम्र में बैठा था इसके फादर का जो नेम था वो था उमर शेख मिर्जा इसके फादर का नाम था क्या उमर शेख मिर्जा और हमने ये चीज़ देखी थी कि इसको इन्वाइट किया गया था एक तो ये माना जाता है राना सांगा ने इन्वाइट किया था प्लस इसको इन्वाइट किया था दौलत खान लोदी ने क्या और इब्राहिम लोदी को मारो उनको लगा कि मार के चला जाएगा बट एक्चुअल में वो वहीं वहीं पे बस गया क्योंकि वो उसका माइंडसेट पहले से ही वही था और फिर जैसे कि हमने देखा मोहम्मद गौरी को इनवाइट किया था जयचंद ने तो मोहम्मद गौरी ने पहले तो पृथ्वीराज थर्ड को हराया एंड देन उसको जयचंद को फिर से हराया जयचंद को भी उसी तरह बाबर भी राना सांगा को भी हराएंगे और प्लस दौलत खान लोधी को भी हराएगा ये ठीक है तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं सेवेंटी फिफ्टी ट्वेंटी सिक्स ए डीज सिग्नीफिकेंट इन इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ़ दो पंद्रह सौ छब्बीस एडी क्यों सिग्निफिकेंट है बिकॉज हमें पता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है और यहाँ से मुगल डायनेस्टी की फाउंडेशन जो है से पड़ती है अराइवल ऑफ वास्को डिगामा कब हुआ जल्दी से बताइए हम अभी देखे भी हैं वास्को डिगामा कब इंडिया 1498 में आया फोर्टीन नाइनटी एट में एक पोर्तुगीज था ठीक है स्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कब होती है रफली uh, आप स्टैब्लिशमेंट की अगर बात करें फिफ्टीन नाइनटी नाइन के टाइम पर सोलह सौ में चार्टर मिलता है क्वीन एलिजाबेथ से एंड देन हमें पता है कि सोलह सौ सो, या आठ में आता है कौन जहांगीर के कोर्ट में आता ही है ठीक है देन इसको फैक्ट्री बोला जाता है कि टेम्प्ररी तो सेटअप कर लो बट सूरत में सेटअप करने के लिए बोला जाता है पॉतुगेज़ रेबल करते हैं मसूलीपनम में जाते हैं टेम्प्रेरी सेटअप करते हैं दैन सिक्सटीन में आके परमानेंट फैक्ट्री सूरत में सेटअप करते हैं लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का जो वन शॉट होगा उसमें रिवाइज करेंगे बाबर डाइड ऑन ट्वेंटी सिक्स दिसंबर फिफ्टीन थर्टी एंड वॉज लेड एट रेस्ट एट आराम बाग एट आगरा आफ्टर वर्ड हज बॉडी वॉज टेकन टू कहाँ पर ले गई थी तो पहले जब बाबर की मृत्यु हुई तो आगरा में उसको रखा गया देन उसको काबुल ले जाया गया तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा अगला क्वेश्चन है विच मुग़ल रूलर स्टार्टेड दासाला सिस्टम तो किस मुगल शासक ने दा सिस्टम स्टार्ट किया वट इज दासाला तो दस दा साल का मतलब होता है दस साल दस साल का मतलब है कि दस साल के बेसिस पे आपकी लैंड को ट्रेस किया जाएगा उसी के बेसिस पे आपसे रेवेन्यू लिया जाएगा इसको स्टार्ट किया था अकबर ने अकबर का जो फाइनेंस मिनिस्टर था टोडरमल उसका ये कॉन्सेप्ट था ठीक है टोडरमल का ये कॉन्सेप्ट था तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा इसको हम जबती सिस्टम के नाम से भी जानते हैं ठीक है जबती सिस्टम अगला क्वेश्चन है सेवेंटी फोर्थ विच आर द फॉलोइंग वर मेन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई दी डिसेंड व्हेन असेंडेड थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर तो हुमायूं ने क्या क्या प्रॉब्लम जो है फेस करी थी ये आपको बताना है तो ऑप्शंस आपके सामने जरा पढ़िए स्टेटमेंट और आंसर दीजिए तो हमायू डिड नॉट कमांड द रिस्पेक्ट एंड स्टीम ऑफ मुगल नोबिलिटी ही हैड टू द दॉसिलिटी ऑफ अफगान एंड अर समी प्रामेंट प्रोवेंशियल रूलर दट एज दे वर नॉट फुली सबड्यूड तो हमायू डिड नॉट कमांड द रिस्पेक्ट एंड स्टीम तो ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं थी रिस्पेक्ट उसको थी बट ये कि जो अफगानस है और उनमें से सबसे बड़ा अफ़गान हमने देखा शेर शाह सूरी जिसने इसको हराया दो बार इस केस इसको भागना पड़ा तो ये यहाँ पर चला जाता है तो अगर हम बात करें तो पंद्रह सौ छब्बीस में मुगल डायनेस्टी इस्टैब्लिश होती है पंद्रह सौ तीस तक बाबर रहते हैं जिस तरह कुतुबुद्दीन एबक याद याद करिए कुतुबुद्दीन एबक सलेट डायनेस्टी के फाउंडर थे प्लस डेली सल्तनत के फाउंडर थे चार साल रहते हैं 1206 से लेकर 1210 उसी तरह इस इस मुग़ल वंश का भी जो पहला रूलर है बाबर वो भी चार साल तक रहता है बारह पंद्रह से लेकर तीस तक फिर कौन आता है 1530 में आता है कौन ये हुमायूं और 1540 तक ही रहता है बिकॉज 1540 में हार जाता है भाग जाता है अपने होम टाउन एंड देन 1540 से लेके 1555 तक रूल रूल करता है शेर शाह सूरी देन फिर से वापस आता है देन फिर से अफगानों को और आता है देन फिर से 1555 में रूल सेटअप करता है लेकिन पंद्रह में और फिर पंद्रह में इसकी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से मृत्यु हो जाती है हमायूँ की तो अभी देखेंगे चीज़ें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आंसर होगा ओनली टू अगला क्वेश्चन है सेवेंटी फाइव द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायूं एंड तो चौसा का जो युद्ध है वो किसके बीच में लगा गया हुमायूं और कृष्णदेव राय ये तो हो ही नहीं सकते नादिर शाह नादिर शाह तो सेवनटीन थर्टी नाइन में आता है ठीक है सोलह सौ उनतालीस में बहुत बाद में आता है लूटने आता है ठीक है 1739 में तो ये भी नहीं होगा शेर शाह सूरी यहां पे सही आंसर होगा हेमू भी अभी नहीं आएंगे हेमू अकबर के टाइम पे आएंगे हेमचंद्र विक्रमादित्य तो हम थोड़ा देख लेते हैं तो पंद्रह में बैटल ऑफ चौसा हुआ था ठीक है जिसमें कि शेर शाह सूरी जीता और हुमायूं हारा देन अगेन फिर पंद्रह में फिर शेर शाह सूरी ने हमायूं को हराया ठीक है अगेन ये होता है बैटल ऑफ कन्नौज इसको कि बैटल ऑफ बेलीग्राम के नाम से भी जानते हैं हम लोग ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है 76 सिक्स वो अम्ग दंग हेज इशूड द कॉइन रुपी फॉर द फर्स्ट टाइम निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार रुपया सिक्का जो है जारी किया था एक्चुअल में अभी तक भी हमारी भी जो ऑफिशियल करेंसी रुप रुपी है और कहीं ना कहीं देखें तो पाकिस्तान की भी वही है इसको इस इंट्रोड्यूस किया था शेर शाह सूरी ने ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा इसने कि अपना रूल फिफ्टीन फोर्टी में इंट्रोड्यूस किया था यह ध्यान रखना है और एक सेकेंड और अगर हम देखें शेर शाह सूरी अगर हम बात करें तो फिफ्टीन फोर्टी में इसने अपना रूल स्टार्ट किया और ये एक अफगान था ठीक है ये एक अफगान था ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ठीक है और कुछ यहाँ पे आप याद कर सकते हैं अच्छा ये बताइए जो शेर शाह सूरी है आई थिंक आगे क्वेश्चन आएगा भी हम्म आ गया वो मंग दॉ क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण का श्रेय किसको जाता है चलिए तो अगला है है और एक चीज़ ध्यान रखना अगर कभी पूछ ले कि कॉपर कॉइंस डैम ठीक है ये किसने इंट्रोड्यूस किया तो ये भी इसी ने इंट्रोड्यूस किए थे डैम अभी भी हम इंग्लिश में इस वर्ड को यूज़ किया जाता है कि डैम डैम क्या हो गया मतलब जब बहुत ही छोटी क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है और ये ध्यान रखना कि इसका जो ओरिजिनल नेम था वो फरीद खान था ठीक है जैसे उसका नाम था ज़हिरुद्दीन मोहम्मद बाबर ऐसे इसका नाम फरीद खान था ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ठीक है फरीद खान तो जी रोड का निर्माण किसने करवाया तो शेर शाह सूरी ने करवाया हम सभी जानते हैं और यहाँ पर इसने बीच बीच में रुकने के लिए कुछ जगह बनवाई थी उनको हम किस नाम से जानते हैं जरा बताइए और जी टी रोड कहाँ से कहाँ रन रन करती है कैलकटा से काबुल

सराई बनवाई थी मतलब रुकने के लिए जगह बनवाई थी डेथ इसकी 1540 में कलिंजर फोर्ट कलिंजर में हुई थी जो कि यूपी के पास से बुंदेलखंड वाले रीजन में पड़ती है और मौसोलियम में इसका सासाराम बिहार में बिकॉज ये बिहार में ही रूल करता था पहले ठीक है सासाराम बिहार में इसको देखने को मिलेगा और अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखना इसने बिल्ट एक करवाया था इसने क्या बिल्ट करवाया था इसने बिल्ट करवाया था पुराना किला ठीक है पुराना किला इसने जो है बिल्ड करवाया था ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कहाँ पे दिल्ली में ठीक अगला क्वेश्चन ये रहा व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर्षा सूरी और शेर खान का न, आ, असली नाम क्या था फरीद जमाल जलालुद्दीन है फिर अब तो अभी हमने देखा फरीद खान नाम था इसका ऑप्शन नंबर ए 79 दी आ, एक सेकेंड एक क्वेश्चन का आंसर दो तो पहले आगे बढ़ने से पहले सिटी ऑफ सिरी सिटी ऑफ सिरी ये किसने एस्टैब्लिश करी थी जो कि सेकंड सिटी है दिल्ली की और अपनी सेकंड कैपिटल दिल्ली के अलावा दीन पनाह किसने बनवाई थी दीन पना सेकेंड अपनी कैपिटल सिटी किसने स्टैब्लिश करवाई थी ये आपको बताना है तो सिटी ऑफ सीरी ध्यान रखने की अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी और ये बताइए जरा कि अलाउद्दीन ने कितने टाइप के टैक्स लगाए थे और ये भी हमें पता होना चाहिए किसने हाउस खास भी बनवाया था ठीक है और दीनपनाह की अगर हम बात करें तो और मैंने क्या पूछा था दीनपना तो दीन पना ये ने हुमायूंब्लिश करी थी ठीक है हुमायूं और इसने तीन टाइप के टैक्स लगाए थे एंड एक तो था हमारा जजिया ज़ लगाया था इसने ठीक है जजिया लगाया था प्लस ध्यान रखना घरई और चरई घरई क्या है हाउस टैक्स है घर का टैक्स और चरई जहाँ पे चरवा होते हैं यानी कि पेस्टोरल टैक्स है यह तो तीन टाइप के टैक्स ऐसे एस एस ने पूछा है चलिए दरायत वाली सिस्टम विच वॉज इंस्टीट्यूटेड इन सम पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वॉज वन ऑफ़ द टू मेन सिस्टम्स टू कलेक्ट रेवेन्यूज सिस्टम द दल्टीवेटर्स एग्रीकल्चरल लैंड इट वॉज ऑरिजनली इंट्रोड्यूस पाई तो इसको ओरिजिनली किसने इंट्रोड्यूस किया था अकबर शेर शाहरी या फिर जहांगीर या फिर हुमायूं तो इसको एक्चुअल में ये माना जाता है कि ओरिजिनली शेर शाहूरी का कॉन्सेप्ट था जिसको बाद में हमें अभी पढ़ा भी था अभी कुछ दिन पहले कि रेयत वाली सिस्टम को एटीन ट्वेंटी में इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास वाले प्रोविंस में किसने इंट्रोड्यूस किया था मुनरो एंड रीड ने किया था जहाँ पे पेजेंट्स यानी रैयत यानी पेजेंट से किसानों से डायरेक्टली लोन मतलब एक तरह से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ठीक है वो हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री में रिवाइज करेंगे Who was the फाउंडर ऑफ अने अकबरी का संस्थापक मतलब तो राइटर कौन था नॉट संस्थापक अने अकबरी का लेखक कौन था एक तरह से हम बोल सकते हैं अबुल फजल, अब्दुल सामद बैरम खान ए फिर राजा टोडरमल सर कल की पी डी एफ की uh, कल क्लास कल क्लास कहाँ हुई थी भाई कल कौन सी क्लास हुई थी जिसकी पी डी एफ अपलोड कर दें वन विल क्लास एंड क्लास विल एंड एट टमोरो फोर पी एम तो आंसर करिए इसका जल्दी से अरे भाई बीस क्वेश्चन और बाकी हैं देख लो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके है ना थोड़ा ही टाइम और लगेगा बस तो एन एकबरी की अगर बात करें तो एन एकबरी अबुल फजल ने लिखी थी वो वॉज वन ऑफ दी नवरत्न तो हमें पता है कि अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे उनमें से एक अबुल फजल थे अबुल फजल ने लिखी थी अकबर नामा और जल्दी से ये बताइए एन एकबरी पहली बात तो जो अकबर नामा लिखी थी तीन वॉल्यूम्स में डिवाइडेड थी और एन एकबरी कौन सा वॉल्यूम में था एन अकबरी वॉज विच वालीम तो इसकी जो फर्स्ट वॉल्यूम थी इसमें अकबर के एनसेस्टर्स यानी कि पूर्वजों के बारे में लिखा हुआ है ठीक है पूर्वजों के बारे में और जो दूसरा वॉल्यूम है इसमें अकबर के रेन यानी कि शासन के बारे में लिखा हुआ है और जो तीसरा है ये एक्चुअल में एन ए अकबरी और इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है एन ए अकबरी यही थर्ड वॉल्यूम ही है ठीक है एने अकबरी कमेंट में आप ये बताएंगे हु कन्वर्टेड तुजुके बाबरी दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इन टू तुजुके बाबरी को किसने बाबर नामा में कन्वर्ट किया था ये आपको बताना जल्दी से अगला क्वेश्चन ये है वंग दी फॉलोइंग मुगल रूलर्स कैटेगराइज़ द एग्रीकल्चरल लैंड इनटू फोर कैटेगरीज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ लैंड निम्नलिखित में से किस मुग़ल शासक ने भूमि की गुणवत्ता के आधार पर कृषि भूमि को चार शैलियों में वर्गीकृत किया था औरंगजेब जहांगीर अकबर या फिर शाहजहाँ तो तुजके बाबरी हमें पता है बाबर की ऑटोबायग्राफी और बाबर नामा ये एक्चुअल में टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी इसको परजियन में कन्वर्ट किया था ये परजियन में है किसने अब्दुल रहीम खाने खाना ये अब्दुल रहीम खाने खाना है कौन तो अब्दुल रहीम खाने खाना खान ए खाना लेकिन ज्यादा ना खाना ठीक है और ये है कौन तो ये एक्चुअली में बैरम खान जिसका संरक्षक था मतलब इसका पापा अब्दुल रहीम खाने खाना का बैरम का संरक्षक था जब बैरम छोटा हुआ करता था तो बैरम खान उसकी रख रखाव करता था एक तरह से आप बोल सकते हो ठीक है और हुआ क्या अकबर ने पहले तो इनको कोर्ट से हटाया ठीक है और ये जब भाई साहब जा रहे थे मतलब तो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई थी चलो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं तब तो हमें पता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत या आगे पहले तो चलो ये अभी देख लेते हैं कि जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है जल्दी से बताइए कब हुआ था ये जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है इसमें किसके बीच में युद्ध हुआ था ये युद्ध हुआ था अकबर वर्सेज हेमू एक साइड अकबर की फोर्सेज थी और दूसरी साइड हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य फोर्सेस को लीड कर रहे थे अफग़ानी फोर्सेस को एक तरह से लीड कर रहे थे ये इनको इसलिए भेजा गया था बिकॉज अभी तक ये एक भी वॉर नहीं आ रहे थे और लेकिन बैरम खान ने इनको टारगेट किया इनकी आंख में और आंख में सीधे मारा और ये बेहोश हो गया और यहाँ से ये युद्ध आ जाते हैं कल वो मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्स शेयर करी थी ना है ना कि फुली प्रिपेयर्ड फॉर एस एस सी फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वही हुआ हेमू के साथ तो हेमू एकदम प्रिपेयर्ड थे आज तक बैटल आ रहे भी नहीं थे और सीधे इनकी आँख में आके वो तीर लगा और ये मतलब इनके बेहोश हो गए और बाकी सब भाग गए इनके जो सेना थी और यहाँ से एक तरह से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में अकबर एक्चुअल में लीड नहीं कर रहा था फोर्सेस को अकबर के नाम पे युद्ध लड़ा गया था एक्चुअल में जो लीडर था दैट वाज बैरम खान और जब ये बैरम खान ने युद्ध तो जीत लिया तो उसको लगा कि हाँ हमीद हम है ठीक है अकबर का तो पानी कम है बट अकबर जब ये बड़ा हो गया अठारह साल का तो धीरे से इन्होंने इसको साइड कर दिया कि भाई निकल लो अब तुम्हारा काम हो गया जब ये जा रहे थे तो इनकी डेथ हो गई तो इनकी जो विडो है उनसे शादी कर ली अकबर ने और इस उस, उसी का बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना जिसने तुज के बाबरी को बाबर नामे में कन्वर्ट किया था राइट क्लियर right? है यहाँ तक और ये मैंने पूछा कब हुआ फिफ्टी फिफ्टी सिक्स एडी में वो पंद्रह सौ छप्पन में ठीक है चलो अगला क्वेश्चन है ये हु अमंग फॉलोइंग मुगल रूलर्स कैटेगराइज एग्रीकल्चरल लैंड टू फोर कैटेगरीज हिम कमांडर ऑफ आदिल शाह बिल्कुल आदिल शाह का कमांडर था तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आंसर होगा यहाँ पे अकबर ऑप्शन नंबर सी इसने चार कैटेगरी में लैंड को भी मैंने आपको बताया था वो दस आला सिस्टम तो इसने दस साल के बेसिस पे लैंड को चार कैटेगरी में बांटने को बोला था वो चार कैटेगरी थी पोलज ठीक है परौती चाचर एंड बंजर पोलास की अगर बात करें तो बहुत ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी थी पड़ौती की अगर बात करें तो इट हैज़ बीन लेफ्ट फैलो फॉर फ्यू टाइम लेफ्ट फैलो बस इतना याद रखना है इसको थोड़ा खाली छोड़ दिया गया कुछ टाइम के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल छः सात पाँच छः महीने के लिए चाचर की अगर बात करें तो या फिर आप बोल सकते हैं कि एक से दो साल के लिए चाचर जो है इसको लेफ्ट फैलो फॉर तीन से चार साल के लिए इसको मतलब लेफ्ट फैलो कर दिया गया और बंजर जो है ये आप पाँच साल से ज़्यादा से मान सकते हो मोर देन फाइव ठीक है तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन तो भाई तुम लोग बैठो ट्रांसलेट करो हर चीज़ को तो अकबर ने ही बनवाया था और यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया था बदौनी ने अब्दुल कादिर बदौनी ने और इन्होंने ही फैज़ी के साथ मिल महाभारत को भी कन्वर्ट किया महाभारत का पर्शियन महा ट्रांसलेशन क्या कहलाता है किसी को पता है महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन कहलाता है रजम नामा ठीक है रजम नामा और ये जो है ये जो, है, जो हैं। अब्दुल कादिर बदौनी इन्होंने ही फैज़ी फैजी कौन है अब फजल के भाई हैं ये ठीक है जिन्होंने इबादत खाना भी सेटअप करवाया था इबादत खाना जहां पे रिलीजियस डिस्कशंस होते थे रिलीजियस डिस्कॉर्स होते थे ठीक है रिलीजियस डिस्कशन या फिर रिलीजियस डिस्कॉर्स होते थे जल्दी से आप ये बताएंगे कि वो कौन सा रिलीजन था नया रिलीजन जो अकबर ने सेटअप किया था कौन सा नया था? रिलीजन था न्यू रिलीजन बाई अकबर और जो एक विष्णु शर्मा जिसके ऑथर हैं पंचतंत्र ठीक है ध्यान रखना ये कुछ स्टोरियाँ हैं हमारी ठीक है पंचतंत्र हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने इनकी स्टोरी पढ़ी भी हो आपको पता ना बट विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र की स्टोरीज इनको भी ट्रांसलेट करने का काम किस के द्वारा किया गया था ये फैजी ने ट्रांसलेट की थी ऐसे हमारी राज तरंगनी जरा बताओ राज तरंगनी किसने लिखी राज तरंगिनी हुट दी राज तरंगनी इसको भी जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन एक करके थे शहाबुद्दीन ठीक है इन्होंने इसको कन्वर्ट किया था किस्म को मतलब इसको पर्जियन में ट्रांसलेट किया था राजतरंगनी के लेखक कालहान है ठीक है कालहान और पंचतंत्र की बात करें विष्णु शर्मा ठीक है याद रखिएगा ये विष्णु शर्मा रिलीजन हमने देखा था रिलीजन क्या था वो रिलीजन वो रिलीजन था जिसको कि बीरबल सबसे पहले हिंदू थे और विष्णु शर्मा क्या बफरिंग हो रही क्या रिया रॉय क्या बोल रहे बफरिंग फ्री हो रही क्या फ्रिंग मेरे साइड से तो नहीं हो रही है चलो तो रिलीजन जिसको बीरबल ने एक्सेप्ट किया था सबसे पहले हिंदू थे दैट वॉज दिल इलाही ठीक है इलाही ये इसमें ऐसा खास क्या था इसमें ऐसा खास ये था कि सभी धर्मों का सॉरी दीन इलाही तो इसमें ऐसा खास क्या था खास ये था कि सभी धर्मों का हिंदू इस्लाम क्रिश्चियन ठीक है सब का एक तरह से मिक्सचर था बट चला नहीं है फेल हो गया ये ठीक है और और कुछ यहाँ पे नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग डिड विलियम हॉकन्स बट एक चीज़ यहाँ पे भी छूट रही है और वो छूटती हुई चीज़ को मैं छूटने नहीं, दूँगा नहीं आपको ये बताना है कि हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम मनसबदारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था ये आपका क्वेश्चन जल्दी से बताना है सर बफरिंग हुई थी अब नहीं हो रही है अच्छा बस कुछ ही क्वेश्चन बाकी है तो ड्यूरिंग हुज रेन डिड विलियम हॉकन्स विजिट दी मुगल कोर्ट टू सिक्योर अ राइट टू ट्रेड इन मुगल पोर्ट्स तो किसके टाइम पे विलियम हॉकंस ने हो चाहे चाहे थॉमस रो हो दोनों ने इसी के टाइम पे विजिट किया था ये था जहांगीर ऑप्शन नंबर डी मनसबदारी सिस्टम इसका एक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था अकबर मनसब का मतलब होता है रैंक रैंक किसके बेसिस पे डिसाइड होती थी दो चीज़ें होती थी इसमें जट यानी कि आर्मी पर्सन कितने हैं आपके पास और दूसरा होता था सवार यानी कि कैवलरी घुड़सवार कितने हैं आपके पास इसके बेसिस पे आपकी रैंक डिसाइड होती थी जितने आप रखते थे हाईएस्ट मनसबदारी हमने सात हज़ार देखा था किसको मिला था जरा बताइए एक हिंदू रूलर था और एक हमारे कोका साहब थे कोका साहब थे और एक दूसरे कौन थे वो आपको बताना है सात हज़ार कौन का मनसब मिला था जिसको ज़्यादा मनसब मिलता था उसको जागीर मिल जाती थी जागीर मतलब जागीरदारी मतलब कि आपको पार्ट ऑफ लैंड मिल जाएगा उससे जो आप रेवेन्यू आए वो हमें देना और थोड़ा बहुत जो बचे वो हमको मतलब रूलर को दे देना और यानी कि जागीरदारी उसी लैंड से ही रेवेन्यू लेगा लेकिन ये हेरीडेटरी नहीं हुआ करता था तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है यानी कि ये जो आपका जागीरदारी सिस्टम है ये हेरीटरी नहीं था अकबर के टाइम पर और ये थे हमारे कोका के अलावा मानसिंह राजा मान सिंह को मिल रखी थी यह ठीक तो मनसबदारी सिस्टम के रिगार्डिंग ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगला है अरेंज द फॉलोइंग बैटल्स ऑफ द मुगल पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि क्रोनोलॉजी में लगाने हैं ठीक है थीके? अब ये अमित शाह काम बड़ा अच्छा कर लेते हैं लेकिन आपको भी करना होगा क्रोनोलॉजी में चीज़ों को लगाना होगा घाघरा खानवा चौसा फिर सामूगढ़ ये आपको लगाने हैं देखिए तो बैटल्स ऑफ बाबर देख लेते हैं हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि बाबर ने काफ़ी सारे बैटल लड़े चार साल वो कुतुबुद्दीन एबक की तरह फ्री नहीं बैठा बैटल्स लड़ता रहा है बैटल्स ऑफ बाबर तो हमने किस तरह से याद किया था सबसे पहले तो 1526 में इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा देन 1527 में लड़ा देन 1528 में लड़ा देन 1529 में इसने बैटल लड़ा तो हमने इस तरह से याद किया था कि इसने पानी पिया इसने खाना खाया इसने इसने चंदा मांगा ठीक है और इसने फिर क्या किया ये घर को चला गया तो पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बैटल ऑफ खानवा बैटल ऑफ चंदेरी बैटल ऑफ घाघरा छब्बीस सत्ताइस अट्ठाईस ये किसके साथ लड़ा इब्राहिम लोदी हराया खानवा के किसके साथ लड़ा राणा सांगा के साथ लड़ा वही राणा सांगा जिन्होंने इनवाइट किया था बाबर को क्या हो इब्राहिम लोदी को हराओ चंदेरी का किसके साथ लड़ा तो ये मेदिनी राय के साथ लड़ा ठीक है मेदिनी राय से याद रख लो मेदिनी राय राय पहले ली और फिर चंदा लिया और घाघरा जो है अफगानस के साथ लड़ा और इनको हराया सबको ठीक तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर में लगाने जाएंगे तो पहले उसने खाना खाया हुआ देन घर जाएगा तो टू पहले आएगा देन वन आएगा चौसा की अगर बात करें पंद्रह सौ चालीस यानी की है, तो हमायू यानी बाबर के बेटे ने युद्ध लड़ा था तो तीन और सामूगढ़ का जो युद्ध है ये औरंग शाहजहाँ के दो बेटे औरंगजेब और दारा शिको के बीच में हुआ था तो टू वन थ्री फोर विल बी दी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर वॉ सीरियन वाही सन सलीम टू दी टाइटल ऑफ तो अकबर के बेटा जो है इसके बाद आता है अकबर के बाद इसने क्या टाइटल लिया था शाहजहां जहांगीर बादशाह फिर जहाँ पना तो उसका नाम तो सलीम था सलीम ठीक है लेकिन टाइटल था इसका जहांगीर ठीक है जहांगीर इसकी वाइफ का नाम क्या था मेहरून निस्साह नूर जहां जिसको हम बोलते हैं मेहर निस्साह अकबर की वाइफ कौन थी जोधाबाई ठीक है या फिर हरका बाई, आई थिंक मैंने गलती से शायद मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कल लाइव क्लास में कि जहांगीर में मैंने बोल दिया था ठीक है मतलब बोला तो हरका भाई मैंने अकबर में भी लेकिन शायद मैंने गलती से जहांगीर में ही बोल दिया तो करेक्ट कर लीजिएगा ठीक है जोधा भाई इनकी वाइफ थी जो कि कछवाहा रूलर थे उनकी बेटी थी ठीक है जोधा भाई या फिर हरका भाई इनका एक ही नाम है ठीक है ये और इनकी क्यों थी मेहर निस्सा वैसे तो बहुत वाइफ हुआ करती थी इन लोगों की लेकिन जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है ठीक है महरून निस्ा इनकी एक वाइफ थी जहांगीर की ठीक है और 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 कुछ मेहर थी बस ये ध्यान रखना नूरजहां और ये काफी ज्यादा मतलब कंट्रोल करती हैं जहांगीर के एडमिनिस्ट्रेशन को चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एंड दैट इज ये एम्बेसडर ऑफ एम्पर जेम्स वन रीच इन दी कोर्ट ऑफ जहांगीर इन सिक्सटीन वाज़ वॉज तो कौन था वो तो uh, कौन होगा सर जेम्स रे सर थॉमस रो सर जॉम्स मैंने बताया था होगा इसका ठीक है <coughs> चलिए तो जेम्स वन ने भेजा था रिसीव कर लिए थे जहां गिर से ठीक आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन ये इन विच इन रेन वॉज ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ वॉज साइन बिटवीन मुगल एंड रन ऑफ मेवार तो किसके टाइम पे ट्रीटी साइन हुई थी राना ऑफ मेमॉर और उनके बीच में तो औरंगजेब शाहजहाँ अकबर या फिर जहांगीर तो ये हुई थी जहांगीर के टाइम पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है ऑफ द फॉलोइंग रेन इज कंसिडर्ड द गोल्डन एज ऑफ द मुगल एम्पायर तो, तो निम्नलिखित में से किस शासन काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण माना युग माना जाता है। तो अब वैसे बात अकबर का माना जाता है ठीक है अकबर के कोर्ट में ही नवरत्न थे और मतलब एकदम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स करवाए और जिल जो हमने कहा दीना इलाही नाम का एक इसने नया रिलीजन स्टार्ट किया और मतलब बहुत सारी यानी कि इसके राज में सभी कोई आर्टिशन ट्रेडर्स सारे धर्म वाले सभी लोग खुश थे इसलिए इसको इसके एज को गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन ये है जो दॉइंगर कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद मॉस्क जाम किसने बनाया डेली में तो ये जहांगीर ने बनवाई थी ठीक है ऑप्शन नंबर सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट औरंगजेब वॉज अ प्योरिटन सो अच्छा यहाँ पर शाहजहाँ को मिस कर दिया क्या शाहजहाँ के साथ मतलब इतना गद्दारी अगर आगे क्वेश्चन नहीं होगा तो देख लेंगे ठीक है औरंगजेब वॉज अ प्योरिटन सो ही अबॉलिस्ड ऑल प्रैक्टिस इन दॉ विच वॉट कंफर्मिटी विद दशन ऑफ फिर इंस्ट्रक्शन ऑफ़ इस्लाम बिल्कुल बात सही है औरंगजेब और ने उस सारी एंटी इस्लामिक प्रैक्टिसेस को क्या करवा दिया ख़त्म करवा दिया बिकॉज ये एंटी इस्लामिक प्रैक्टिसेस से बहुत चढ़ता था कि अगर इस्लाम में जो भी लिखा हुआ है वो आपको करना है और इसीलिए इसने जो है एक किताब भी लिखी थी जरा बताइए जिसमें कि रूल्स वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई थी और इसने एक ऑफिसर भी अपॉइंट किया था इसके लिए उसका भी नाम नाम बताएंगे आप तो ही फॉर्बेट द कल्टिवेशन ऑफ भांग शॉट दी अंपायर ठीक है बिल्कुल नशा वसा भी नहीं करना है हंसना भी ज्यादा नहीं है ये अबोलिश द पिलग्रिमेज टैक्स हम जजिया इबॉलिष कर देगा वो भी औरंगजेब हैं औरंगजेब अगर अपने आ, मतलब क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसको इस्लाम धर्म में जन्नत हां जन्नत में भी अगर होगा ना वो या फिर जहां जन्नत में तो खैर नहीं होगा जो इसने हरकतें करी तो जन्नत को ऑपोजिट क्या होता है पता नहीं जैसे हमारे यहाँ नरक होता है हिंदू धर्म में तो ऐसे क्या होता है क्या बोलते हैं उसको पता नहीं तो वहाँ पे भी होगा ना तो वहाँ से भी अभी मतलब समझ रहे हो <laughs> देख लेगा तो उसकी आत्मा काँप जाएगी कि जजिया और अबॉलिश और हम ऐसा कैसे कर सकता है ठीक है तो जो कट्टर इस्लामिक होंगे वो जजिया अबॉलिश कर ही नहीं सकते जैसे फरोशाह तुगलक कर सकता है नहीं कर सकता है ठीक है तो ये भी नहीं किया मेन अकबर ने किया था इसको एबॉलिश यह चीज ध्यान रखना अकबर ने जजिया को एबॉलिश किया था तो सही आंसर यहाँ पे ए एंड बी होगा ऑप्शन नंबर ए और इसने एक किताब लिखी थी दैट वाज फतवा आलमगिरी ठीक है फतवा ए आलमगिरी ठीक है आलमगिरी और मोहतासिब नाम का एक इसने ऑफिसर अपॉइंट किया था कि अगर कोई भी एंटी रिलीजियस प्रैक्टिस करता मिल गया तो ये ऑफिसर उस चीज का ध्यान रखेगा ठीक है ऑफिसर फॉर रिलीजन आप ऐसे समझ सकते हैं इसको और ये दो, 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 दोनों दोनों ध्यान रखना फतवाए आलमगिरी और ये मोहतासिब ठीक है औरंगजेब विच मुगल एम्परर इशूड द रॉयल टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउंग ड्यूटी फ्री ट्रेड इन रिटर्न फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ रुपीज़ तीन हजार तीन हज़ार दो और ड्यूटी फ्री ट्रेड करो कौन था बहादुर शाह था शाह आलम था जहानदार शाह थे वो नन ऑफ द अबव तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर सही आंसर होगा नन ऑफ द अबव क्यों क्योंकि ये फारूक सियाार था वही फारूक सियार जो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से उस थ्रोन पे बैठा था और वही सैयद बिरदास ने इसको मरवाया भी ठीक है और इसका सक्सेसर था मोहम्मद शाह जिसके टाइम पे मोहम्मद शाह मतलब इसके जो पहले था ठीक है प्री उसके टाइम पे किसका इन्वेजन हुआ था नादिर शाह का हमने देखा था और नादिर शाह जो है नादिर शाह 1739 में लूट के ले जाता है पीकॉक थ्रोन एंड कोहिन डायमंड जरा ये बताइए जो पीकॉक थ्रोन है वो किसने बनवाया था पीकॉक थ्रोन किसके द्वारा बनवाया गया था किस मुग़ल रूलर के द्वारा अगला क्वेश्चन है औरंगजेब फेल्ड टू डिफीट शिवाजी बिकॉज औरंगजेब क्यों मतलब फेल हो गया डिफीट करने में शिवाजी को जल्दी से तो पहले तो ये कर लेते हैं तो ये पिकॉक थ्रोन जो है शाहजहाँ ने बनवाया था किसने शाहजहाँ और ध्यान रखना शाहजहाँ का ओरिजिनल नेम क्या था ये पता होना चाहिए और इसकी मदर का नेम क्या था तो मैंने बताया था जग, इसकी जहांगीर की वाइफ थी या फिर नूर जहां लेकिन वो इसकी मदर नहीं थी शाहजहां की भले जहांगीर का बेटा था शाहजहां क्योंकि इनकी बहुत मल्टीपल वाइफ होती थी तो उनमें से एक वाइफ थी उसकी जगत गोसाई जो कि हिंदू थी ठीक है जगत गोसाई जगत गोसाई से यह हुआ था शाहजहां ये चीज ध्यान रखना ठीक है और मैंने क्या पूछा था खुर्रम नाम था इसका ठीक है प्रिंस खुर्रम अगला क्वेश्चन ये औरंगजेब फेल टू डिफीट शिवाजी बिकॉज दी औरंगजेब तो क्यों शिवाजी को आ, मतलब हराने में नाकाम रहा मुगल ग्रीव अन मैनेजेबल मराठास वॉरफेयर मुगल्स नो नेवी मुगल्स जनरल वर ट्रेचरस आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी ये गुरिल्ला वॉरफेयर में एकदम ट्रेंड थे कौन मराठास गु, 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 गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि जब आपके पास छोटी आर्मी होती है तो आप डायरेक्ट आमने सामने वॉर नहीं करते हो सीधे मारते हो छुप जाते हो मारते हो छुप जाते हो औरंगजेब बेचारा परेशान हो गया बाकी तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी मराठा के बारे में देखेंगे बट हमें पता है कि औरंगजेब जो है ये औरंगज़ेब जो है ये औरंगज़ेब ये औरंगज़ेब जो है सत्ताईस साल के लिए कहाँ पर रहता है सत्ताईस साल के लिए यानी सोलह सौ अस्सी में ही चला जाता है तो भी हम चीज़ें देखते हैं आगे आई थिंक आएंगी तो नहीं होता तो मैं पूरा आपको क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ किस किस तरह से चीज़ें हुई तो सोलह सौ पैंसठ में तो पहले बात तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है क्या होती है ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच में होती है तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है शिवाजी और जयसिंह के बीच में शिवाजी और जयसिंह ये जो जयसिंह है ये बोलते हैं सिटी के थ्रू कि आप आगरा आओ औरंगजेब से मिलने और हम उसका एश्योरेंस देते हैं कुछ नहीं होगा बट औरंगजेब ने जो है इनको कैप्चर कर लिया शिवाजी को और शिवाजी को कैप्चर करने के बाद इनको प्रिजनर बना लिया बट ये सिक्सटीन में भाग निकले भाग निकले वर्ड गलत होगा इसके चंगुल से छूट मतलब निकल लिया ठीक है इन्होंने मतलब स्केप कर लिया 1674 में और 1674 में इन्होंने खुद को छत्रपति का टाइटल दिया और छत्रपति और खुद को अटोनमस जो रूलर है वो घोषित कर दिया ठीक है इनकी वाइफ इनका मतलब मदर का नेम था जीजाबाई इनकी मदर का नेम था जीजाबाई ठीक है और इनके फादर का नेम था शाहजी भोसले ठीक है तो मदर का नेम क्या था इनका जीजाबाई ठीक है जीजाबाई और शाहजी भोसले जो है जी भोसले कौन थे इनके फादर थे ये हमें ध्यान रखना है तो ये ट्रीटी ऑफ़ सिक्सटीन किसके बीच में हुई हुई थी थी कब होती है। तो के पहले तो ये आपको और औरंगजेब ने 1686 में, और 1687 में कौन से दो किंगडम साउथ इंडिया के किंगडम्स को या फिर कैप्चर किया था जरा बताइए सोलह और सतासी में तो सोलह में इसने गोलकोंडा और सोलह सौ में इसने बीजापुर को कांकर कर लिया था ठीक है बीजापुर को कांकर कर लिया था ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए अच्छा ये बताओ अकबर कब थ्रोन पे बैठा था सॉरी अकबर का तो देख लिया था जहांगीर कब थ्रोन पे बैठा थी हमने नहीं देखा था ज़रा बताओ जहांगीर कब थ्रोन में बैठा था तो जहांगीर बैठा था, था सोलह में बिकॉज हमने देखा था सोलह में आसिसगढ़ फोर्ट को कैप्चर करने गए थे अकबर और वहीं पे उस, उसी टाइम पे जहांगीर ने रिवोल्ट कर दिया था तो 1605 में जहांगीर बैठा था ठीक है सोलह में हुआ सोलह में ये और सत्रह में वो मर गया ठीक है उसकी डेथ हो गई किसकी औरंगजेब की सोलह सौ में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हु अमंग द फॉलोइंग फाइनली रिमूव द मराठा पेशा फ्रॉम इस पोजिशन कैप्चर्ड इन टेरेटरीज एंड सेंड हिम ऑफ टू अ डिस्टेंट प्लेस तो किसने किया था ये हैस्टिंग्स ने किया था ठीक है यानी धीरे धीरे मॉडर्न यानी कि ये मॉडर्न की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है तो हेस्टिंग्स ने जो बाजीराव दी सेकेंड थे ठीक है बाजीराव दो सेकेंड जो लास्ट पेशवा थे इनको भेज दिया था बिठूर कानपुर में कि आप जाओ वहीं पर पे, आपको पेंशन वेंशन मिलती रहेगी अब निकलो यहाँ से ठीक है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ट बिटवीन तो थर्ड जो तीसरा युद्ध है पानीपत का किसके बीच में हुआ हेमू वर्सेज अकबर हुमायूं वर्सेज शेर शाह और मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली या फिर नादिर शाह वर्सेस मुगल्स तो आंसर क्या होगा आंसर होगा मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली मराठा फोर्सेस से कौन लीड कर रहा था मराठा फोर्सेस कौन लीड कर रहा था जल्दी से बताएंगे अफग़ानी फोर्सेस को लीड कर रहा था अहमद शाह अब्दाली मराठा फोर्सेस को अगर बात करें तो ये लीड कर रहे थे इनके बेटे थे एक तो सदाशिव राव भाऊ इनके बेटे नहीं थे विश्वास राव बेटे थे ठीक है बालाजी बाजी राव के बेटे थे विश्वास राव ठीक है माइनर ही थे सोलह साल के थे और सदाशिव राव उनके मिलिट्री कमांडर थे ये दोनों लोग लीड कर रहे थे कब ये हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था और यहाँ पे डिफीट होती है मराठास की जीत होती है अहमद शाह अब्दाली की लेकिन अहमद शाह अब्दाली को भी काफी बड़ा ब्लो लगता है और यहाँ से ब्रिटिशर्स के लिए एक तरह से रास्ता खाली हो जाता है फॉलोइंग मराठा स्ट्रगल्स अगेंस्ट ऑफ एक ओके ठीक है तो वो मंग दी फॉलोइंग मराठा वेमेन लेट स्ट्रगल्स अगेंस्ट द मुगल एम्पायर फ्रॉम सेवनटीन हंड्रेड ऑनवर्ड तो किस मराठा वेमेन ने लीड किया था अहल्या भाई मुक्ता भाई ताराबाई या फिर रुकमेनी बाई तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा सही आंसर ये होगा कि शिवाजी तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से सारी चीज़ें हुई थी एक तो पहले हमारे शिवाजी थे शिवाजी के बेटे शाहू जी आए और शाहू जी की अगर बात करें तो शाहू जी को मरवा दिया था औरंगजेब ने और कैसे मरवाया था हमने देखा था देन शाहू जी की अगर बात करें तो इनके बेटे थे कौन इनके बेटे थे आपके सॉरी संभाजी शाहू शिवाजी के बेटे थे ठीक है संभाजी शिवाजी के बेटे थे और शाहू जी इनके बेटे थे ठीक है संभाजी के और संभाजी के भाई थे कौन राजा राम राजा राम जो है संभाजी के मरने के बाद राजा राम आते हैं राजा राम के मरने के बाद ताराबाई जो इनकी वाइफ है राजा राम की वाइफ ऑफ इनकी वो आती हैं बट ताराबाई चाहती थी कि जो शिवाजी दी सेकंड है जो इनका बेटा था ताराबाई और राजा राम का बेटा था शिवाजी दी सेकंड वो बने लेकिन फिर बाद में हमने देखते हैं कि शाहू जी विद दी हेल्प ऑफ कौन से हमारे पहले पेशवा पेशवा कौन होते थे पेशवा मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर मराठास में पेशवा का मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है तो बालाजी विश्वनाथ राव थे ये पहले पेशवा थे और इन्हीं के साथ मिल के जो है इन्होंने हरा दिया था उनको अपनी चाची को ठीक है और विश्वासनाथ के बेटे थे कौन बाजी राव दी फर्स्ट जिन पे बाजी राव मस्तानी मूवी बनी है ठीक है जो कि काफ़ी एबल रूलर थे तो ये सेकंड पेशवा इनको हम बोल सकते हैं बाजी राव दी फर्स्ट को

ने अपनी कैपिटल को कहाँ पे शिफ्ट कर लिया सतारा नागपुर नासिक या फिर पूना तो पूना में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है पूना में कैपिटल को शिफ्ट कर लिया पेशवा कौन होते थे मराठा के अंडर प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे 98 एट विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड बाई मुगल्स तो मुगल्स ने कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डेवलप किया चार बार पित्रोदिवरा कॉर्बेल्ड या फिर वेसरा तो वेसरा तो एक्चुअल में एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है कैसा टेम्पल का टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसको कि डेवलप किया था चालुक्या ने और ये हमें देखने को मिलता है सेंट्रल इंडिया में जो कि नगर जो कि नॉर्थ इंडिया की टेम्पल्स हैं वो नगर शैली में होते हैं साउथ इंडिया के टेम्पल द्रविड़ शैली में थे दोनों का मिक्सचर होता है वेसरा नगर नॉर्थ इंडिया में द्रविड़ साउथ इंडिया में और दोनों का एक तरह से मिक्स सेंट्रल इंडिया में कर्नाटक रीजन में चालुक्या ने बनवाया ठीक तो वो है वेसरा स्टाइल कॉरबेल्ट हमने देखा था जो कवुल इस्लाम है जिसको कि कुतुबुद्दीन इबक ने बनवाया था कुतुब कुतुब मीनार के पास में बना हुआ है ये कॉरबेल्ट आर्च है पित्रो दिवरा अगर बात करें तो ये एक स्टाइल ऑफ आप बोल सकते हैं पेंटिंग है इसमें प्रेशियर स्टोन का यूज़ करके फ्लोरल पेंटिंग बनाई जाती है इसको भी मुगल ही लाए थे इसको भी मुगल ही लाए थे आपको जैसे ताजमहल वगैरह देखने में मिलेंगी बट इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इट इज़ काइंड ऑफ अ पेंटिंग ठीक है तो आंसर होगा गया यहाँ पर चार बाग चार बाग क्या होता है मैंने आपको बताया था इस तरह से होता है कोई रिवर या फिर इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो यहाँ पर चार गार्डन निकल के चले आते हैं जैसे कि हमायूँ हमायूं स्टूम में अगर आप जाके देखेंगे या फिर जितने भी ज़्यादातर आर्किटेक्चर मुगल ने बनवाए हैं वहाँ पर आपको ताजमहल हो गया तो वहाँ पर आपको चार बाग ऐसे देखने को मिलेंगे ठीक है थोड़ा से हम आर्किटेक्चर डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से आप बताएँगे कि ताजमहल किसने बनवाया ठीक है ताजमहल और रेड फोर्ट किसने बनवाया ठीक है ताजमहल और रेड फोर्ट किसने बनवाया यह बताएंगे और न, ये बताएंगे और 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 ठीक है ये बताएंगे और जल्दी से बताएंगे कि किसने दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया ठीक है दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया किसने दीवाने खास तो पहली बात तो चलो ये मैं पूछ लिया फिर मोती मस्जिद जरा बताओ किसने बनवाई मोती मस्जिद हमने देखी थी तीन बनी टोटल तीन कौन कौन सी थी एक तो बनी आपकी आगरा में एक आपकी बनी लाहौर में एक आपकी बनी दिल्ली में तो तीनों आपको बतानी किसने बनवाई थी ये फिर आपको बताना है कि बीबी -बी का मकबरा कहाँ पे है ठीक है बीबी -बी का मकबरा किसने बनवाया और जामा मस्जिद तो हम लोग देख ही चुके हैं कि वो किसने बनवाई है ठीक है अभी ताजमहल और रेड फोर्ट आप जानते हैं सभी शाहजहाँ प्रिंस खुर्रम ने बनवाई और शाहजहाँ के टाइम पे दो ट्रैवलर आए थे जरा उनका नाम बताइए ताजमहल आगरा में रेड फोर्ट आप जानते हैं कहाँ पर आगरा रेड फोर्ट आपका दिल्ली में है ठीक है दीवाने आम और दीवाने खास ये भी शाहजहाँ ने बनवाए दीवानी जो आम है ये आपको आगरा फोर्ट, आगरा के ताजमहल के पास देखने को मिलेगा आगरा फोर्ट में और दीवाने खास जो है वो रेड फोर्ट में है दीवाने खास यानी कि जो ऑड मतलब ये ऑर्डिनरी पीपल के लिए और ये जो है थोड़े से हायर क्लास ऑफ पीपल के लिए है ठीक है तो दीवाने खास उनके लिए था और दीवाने खास में पीकॉक थ्रोन लगवाया था शाहजहाँ ने जो कि ले गया था नादिर शाह फिर हमने देखा फिर हमने आपसे क्या पूछा फिर यह कि मोती मस्जिद आगरा लाहौर और डेली तो डेली वाला औरंगजेब ने बनवाया ठीक है औरंगजेब मोती मस्जिद मौत की मस्जिद सिकंदर लोधी लाहौर में जहांगीर जहांगीर और आगरा में शाहजहाँ ठीक है शाहजहाँ ने बनवाया था बीबी का मकबरा ये भी औरंगज़ेब ने बनवाया कहाँ पे यह ठीक है औरंगज़ेब ने बनवाया ये कहाँ पे यह जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था महाराष्ट्र में जो कि अभी शंभाजी नगर हो चुका है ठीक है शंभाजी नगर हो चुका है वहाँ पे बीबी का मकबरा और ये किसकी वाइफ का नाम है क्या जिसके नाम पर इसने बनवाया दिलरास बानू बेगम ठीक है दिलरास बानू बेगम जैसे कि इसके पपा श्री ने ताजमहल बनवाया था किसके याद पर यह बनवाया था इसने अपनी वाइफ मुमताज महल जिसका एक्चुअल में ओरिजिनल नेम क्या था अर्जुमान बानो अगर पूछे क्वेश्चन तो अर्जुमान बानो ही पूछेगा ना कि मुमताज महल क्योंकि वो सबको पता है ठीक है तो अर्जुमान बानो याद रखना है आपको ओलाइट right. तो चार बाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ये होता है आपका मूविंग ऑन टू देंकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड दैट इज़ चौथ वॉज तो चौथ जो कि मराठा लगाते थे तो दो तरह के टैक्स होते थे तो चौथ और सरदेश मुखी तो उसमें चौथ क्या होता था ये आपको बताना है चौथ होता था और एक सरदेश मुखी होता था कुकर की सीटी में मध्यान्ह दो तुम यह सवाल है ना तो सही आंसर क्या होगा चौथ चौथ का मतलब होता है एक चौथाई हाँ। ठीक है वन फोर्थ तो इट वॉज अ काइंड ऑफ रिलीजियस टैक्स इम्पोज बाई औरंगजेब टोल टैक्स इरीगेशन टैक्स बाई अकबर लैंड टैक्स लिविड बाई शिवाजी और नेबरिंग स्टेट ठीक है हम लोग देखते चौथ का मतलब क्या था कि हम मराठा बोलते थे हम आप पे अटैक करेंगे अगर नहीं अटैक चाहते तो चौथ दे दो यानी हमें पार्ट दे दो नहीं तो फिर हम आप पे अटैक करेंगे दैट वाज चौथ वन फोर्थ पार्ट लिया जाता था क्या था देशमुख कौन होते थे जो लैंड लॉडस हुआ करते थे यानी कि उन्हीं की टेरेटरी में जो है जो हैं है, यानी कि लैंड लॉर्ड उनसे जो एडिशनल टैक्स लिया जाता था दैट वॉज सरदेश ठीक है जिससे वेट्टी और कदमई Uh, किसके टाइम पे था चोला के टाइम पे उसे चौथ और स्वदेश मुखी इनके टाइम पे मराठास के टाइम पे शिवाजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था ठीक है बिकॉज ये एक uh, एक तरह से हम बोल सकते हैं जो पूरी मराठा कम्युनिटी थी गुरिल्ला वॉरफेयर में एकदम वो थे तो हर जगह ये क्या करते थे इस तरह से रेड करते थे और रेड करने से पहले देते थे वार्निंग की चौथ दे देना हो तो बताओ फिर रेड नहीं मारेंगे ठीक है चलो जैसे कि इन्होंने जो मैसौर किंगडम था उसमें बहुत रेड मारी इन लोगों ने बहुत मारी वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दी डे इज़ दिस हु मंग द फॉलोइंग ऑज दी लास्ट पेशो ऑफ दी मराठा एम्पायर तो निम्नलिखित में से कौन सा मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था ये अभी अभी मैंने बताया भी था आपको ठीक है तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी हुआ है ठीक है तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो याद करिए थर्ड बैटल ऑफ पान सॉरी बैटल ऑफ पानीपत्नी अब याद करिए एक्चुअल में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था ठीक है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में अठारह सौ अट्ठारह अट्ठारह सौ में ठीक है मैं नाम नहीं बताऊंगा नाम आप बताएंगे ठीक है चलिए खत्म होता है यहाँ पे हमारा लेक्चर किसी को ऐसा कुछ लगा कि कुछ छूट गया हो तो वो अपनी राय रख सकता है किसी को डाउट हो वो अपना कुछ बता सकता है और किसी की कुछ और इच्छाएं हो तो वो भी जागृत कर सकता है वो ठीक है अच्छा मैं एक चीज आपसे पूछता हूं कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया क्योंकि हल्दी घाटी का मुझे लगा छूट गया है और अकबर के टाइम पे फौजदार कौन हुआ करते थे हुआ ये आप दो क्वेश्चन के आंसर बताइए जल्दी से तो हल्दी घाटी याद करिए महाराणा प्रताप सिंह जो रूल कर रहे थे था राजस्थान में उनके साथ युद्ध लड़ा था पंद्रह में फिफ्टीन में अकबर खुद लीड नहीं कर रहे थे जय से लीड करवाया था ठीक है तो पंद्रह में महाराणा प्रताप को हराते हैं और फौजदार अगर हम बात करें तो ही वॉज अ मिलिट्री कमांडर भूत की स्टोरी हाँ ये वीडियो सेव रहेगा यूपी पुलिस के लिए आपका जीएस बैच इनफ है हाँ जी अंकिता जी इनफ है बवाल क्वेश्चन पेपर सर जी रिवीजन के लिए अच्छा और आप लोगों का टेस्ट जो है अभी खुल चुका होगा एप्लीकेशन पे जो लोग बैच में रहे हैं तो आराम से खाना पीना वीना खा के जब टाइम निकले तो लगा लेना टेस्ट को ठीक है बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा ठीक है परमार एस एस सी टेलीग्राम पर मिल जाएगा और जो लोग इंस्टाग्राम पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है परमार अंडर स्कोर अकेडमी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं फॉलो करो फॉलो करो फॉलो करो हाँ अगर हो और करना चाहते हो कुछ थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट इंस्टाग्राम से भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो बिकॉज वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स आते हैं ठीक है और वो किस फॉर्मेट में आते हैं आप सभी लोग जानते हैं जो लोग होंगे और बाकी हम लोग कुछ मीम्स के थ्रू भी कुछ चीज़ें करते रहते हैं तो कुछ नए नए इनोवेशनस आपको दिखते रहेंगे अभी आने वाले दिनों में शाहजहाँ के बारे में रिवाइज़ शाहजहाँ के बारे में क्या रिवाइज़ करवाते हैं एक तो प्रिंस खुर्रम महावद खान के साथ इसने साउथ इंडिया में एक्सप्रेशन लीड किए थे जहाँ पर इसने अहमद नगर को कांकर किया था ठीक है जहांगीर ने इसको भेजा था फिर हमने देखा था कि इसने जो है शाहजहाँ ने जो है आ, इसकी वाइफ की क्योंकि डेथ हो गई थी तो फिर इसने इसने आर्किटेक्चर बनवाया तो इसके टाइम पे आर्किटेक्चर बहुत बना तो इस बस हमें उसका आर्किटेक्चर याद रखना है शाहजहाँ का ऐसा ऐसा कुछ ज़्यादा तो नहीं है ठीक है और जंजीर आदिल अच्छा बता, बताओ किसने बनवाई थी जंजीर आदिल की अगर किसी को जस्टिस लेना है, तो वो आ सकता है जंजीर आदिल हाँ अंबिकेश अयोध्या टेम्पल नगर शैली में ही बन रहा है मैंने आपको तो दिखाया भी था जब पढ़ाया था कि किस तरह वो नगर शैली का ही है थैंक यू सर बट थ्योरेटिकल फॉर्म ज़्यादा अच्छा है ऐसा है क्या बाकी लोग अपनी ज़रा राय दीजिए थ्योरेटिकल फॉर्म अच्छा है कि या फिर ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन फॉर्मेट किया ये अच्छा है ठीक है थ्योरेटिकल फॉर्म में हमने पिछला वाला एशियंट किया था और उससे पहले सीजियल मेन से पहले सबके किए थे मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी जोग्राफी इकनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबके किए थे तो वो ज़्यादा बेटर है या फिर ये मतलब क्वेश्चन के थ्रू औरंगजेब नहीं होगा ना हाँ औरंगजेब नहीं होगा जहांगीर होगा ठीक है जहांगीर नहीं ये वाला अच्छा है क्वेश्चन फॉर्मेट क्वेश्चन फॉर्मेट बेस्ट है वो था नेसेसरी, क्वेश्चन वाला बेटर सब नो सर क्वेश्चन hmm. ही सही है थ्योरी बेंजामिन नितिन पीडीएफ डी एफ हो रहा है हायर कुमार दिखवा रहे हैं उसको पीडीएफ का ठीक है उसको जल्दी सही करवाया जाएगा है ना थैंक यू और बाकी जिन लोगों को कोर्स वगैरह में एनरोल करना है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है अगर करना चाहते हैं तो परमार अकेडमी ऐप पर जाके देख लीजिए दो बैचेस हैं एक लाइव एस एस सी और एक रिकॉर्डेड जो कि रिकॉर्डेड ब्रैकेट में लिखा होगा उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं लाइव वाले में एनरोल कर लेते हैं सर हमें तो इसमें तो जोग्रफ़ी और इकनॉमिक और ये सब तो है ही नहीं पॉलिटी वगैरह हमें आ रहा एग्ज़ाम तो आईबी वाला है उसके लिए प्रिपेयर करना है सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर करना है जबकि उसके नीचे ही लिखा हुआ है दूसरा बैच है रिकॉर्डेड ठीक है तो अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल से पहले है तो उसमें एनरोल करिएगा परमार अकेडमी ऐप पे कोर्सेज सेक्शन में जाके डब्ल्यू 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 डॉट परमार अकेडमी डॉट डॉट इन पर भी चल जाएगा और अगर आप आई के यूज़र हैं तो आई के अगर आप यूज़र हैं तो एक नंबर मैं आपको दे देता हूँ ये इस नंबर पर आप वहाँ से लिंक रिसीव कर सकते हैं आई की ठीक है सिक्स और ये मेरा नंबर नहीं है ध्यान रखना ठीक है काफ़ी लोग ऐसे मैसेज करने लगते हैं कि वर्मा सर आपने ये नहीं कराया वो नहीं तो ये मेरा नंबर नहीं है मतलब तो टीम का नंबर है तो वो आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे ठीक है जिसको मैं हटा भी देता हूँ यहाँ से सिक्स थ्री जीरो सेवन टू एट सिक्स फोर एट टू एट ठीक है तो मेरा नंबर नहीं है तो वहाँ पर आप लिंक ले सकते हैं या फिर अगर कुछ और क्वेरी है जो यहाँ पर मैंने सॉल्व नहीं करी तो वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं राइट